नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में जो भी हमारी वीडियोस है उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग कस्तूरी फिल्म जो 1980 में रिलीज़ हुई थी उसको YouTube पे फ्री में देखना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों बता दूं कि यह फिल्म अभी YouTube के प्लेटफॉर्म पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह फिल्म अभी बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो दोस्तों, जब तक बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी तब तक YouTube पे यह परमिशन नहीं मिलेगा कि इसको फ्री में अपलोड किया जा सके। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि अभी तो आपको यह फिल्म में नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन आने वाले वक्त में मैं ज़रूर चाहूँगा कि इस फिल्म को मैं आपको YouTube पे फ्री में दिखाऊँ। तो दोस्तों, अभी आप इसकी कहानियाँ मैं ज़रूर आपके साथ में साझा करने वाला हूँ, जो कहानियों के फैक्ट हैं, तो उससे आपको ज़रूर इस फिल्म के बारे में जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जो कस्तूरी फिल्म थी वह 1980 में आई एक बहुत ही अच्छी हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थी, जिसका डायरेक्टर बिमल दत्ता जी हैं। अगर दोस्तों इसमें बात करें मुख्य कलाकार के तौर पे, तो नूतन, मिथुन चक्रवर्ती, परीक्षित सैनी, सद्दू मेहर और श्रीराम लोगों जैसे कलाकार ने इसमें काम किया है। और यह फिल्म दोस्तों जो नेशनल फिल्म अवार्ड था उसके बेस्ट फिल्म का अवार्ड दोस्तों इन्होंने जीता था, जो 1978 में हुआ था। अगर दोस्तों कुछ अन्य फैक्ट की बात करें इस फिल्म की, तो इसमें दोस्तों जो सिनेमोग्राफी का काम किया है वो के महाजन जी ने किया है, और इसके जो म्यूज़िक हैं वो बप्पी लहरी जी दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही बप्पी लहरी हैं जो 1980 से लेके अभी भी जो हमारे इस दौर में फिल्में बन रहे हैं उसमें बहुत ही बेहतरीन म्यूज़िक देते हैं। दोस्तों, बप्पी लहरी का तो जादू दोस्तों आप उससे समझ सकते हैं कि जिस भी फिल्म में दोस्तों बप्पी लहरी जी म्यूज़िक देते थे, डेफिनेटली दोस्तों म्यूज़िक के दम पे वो फिल्म हिट हो जाया करती थी। अगर दोस्तों बात करें इस फिल्म की, तो यह फिल्म 1980 में रिलीज़ हुई थी। अगर हम रनिंग टाइम की बात करें तो 125 मिनट की यह फिल्म है। और अगर बात करें दोस्तों तो यह इंडिया में रिलीज़ हुआ था, क्योंकि उस समय दोस्तों जो हमारी फिल्में थी वह केवल इंडिया में ही रिलीज़ की जाती थी। आजकल के दौर में तो इतने सारे मल्टीप्लेक्स हैं इंडिया और इंडिया के बाहर की बाकी कई सारी कंट्री में एक साथ फिल्मों को रिलीज़ किया जाता है, लेकिन अगर 1980 की दौर की बात करूँ तो उस समय मूवी केवल फिल्में केवल इंडिया में ही रिलीज़ की जाती थी। इसका दोस्तों जो लैंग्वेज था वो हिंदी था, और बजट इस फिल्म का 1.5 करोड़ था। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बड़ा बजट होता है, क्योंकि उस दौर में 1980 के दौर में 1.5 करोड़ के बजट से बनाने वाली फिल्में कोई मामूली फिल्में नहीं हुआ करती थी। अगर दोस्तों हम इस फिल्म की मुख्य कलाकार की बात करें, तो मिथुन चक्रवर्ती, नौतान, परीक्षित सैनी, सद्धू मेहरा, श्री राम लोगो जैसे कलाकार ने इसमें दोस्तों काम किया है। बहुत ही अच्छी फिल्म है दोस्तों। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आने वाले वक्त में मैं यह फिल्म आपके लिए साझा कर सकूँ दोस्तों, इसीलिए आपसे यह अनुरोध है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।
और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वक्त में इस फिल्म की जो जानकारी है वह आपको मिल सके। अगर दोस्तों हम इस फिल्म की कुछ अलग फैक्ट्स की बात करें दोस्तों, तो इसमें दोस्तों जो बप्पी लहरी जी थे उनको बहुत ही अच्छे अच्छे गाने मिले थे। इसमें दोस्तों उनको म्यूज़िक देने के लिए, वैसे तो वो बहुत ही बेहतरीन संगीतकार हैं जो उस दौर से लेके इस दौर तक पता नहीं कितने सारे ऐसे मूवी में उन्होंने हिट गाने दिए हैं दोस्तों। अगर दोस्तों हम बात करें इस फिल्म में, तो यह फिल्म जो है टीवी पे आज तक कभी आई नहीं है दोस्तों। माफी चाहता हूँ दोस्तों, जैसा कि मैं इस फिल्म के बारे में देख पा रहा हूँ, तो इस फिल्म के बारे में ये लिखा गया है कि फिल्म वाज लेटर रिलीज्ड ऑन टीवी नेवर ऑन थिएटर, यानी कि दोस्तों यह फिल्म थिएटर में रिलीज नहीं किया गया था, यह केवल टेलीविज़न पे ही आया था। तो ये अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर 1.5 करोड़ की लागत से कोई फिल्म बने और उसको थिएटर पे ना रिलीज़ करके टेलीविज़न पे रिलीज़ की जाए, तो कितनी बड़ी बात होती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम अभी तो यह फिल्म नहीं अपलोड कर पाएंगे, लेकिन आने वाले वक्त में मैं ज़रूर चाहूँगा कि यह फिल्म मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे फ्री में अपलोड कर सकूँ। तब तक दोस्तों मिलते हैं हम किसी अगली वीडियोस में, इसीलिए दोस्तों आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वक्त में जो भी हमारी वीडियोस है उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग कस्तूरी फिल्म जो 1980 में रिलीज़ हुई थी उसको यूट्यूब पे फ्री में देखना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों बता दूं कि यह फिल्म अभी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह फिल्म अभी बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो दोस्तों जब तक बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी, तब तक यूट्यूब पे यह परमिशन नहीं मिलेगा कि इसको फ्री में अपलोड किया जा सके। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि अभी तो आपको यह फिल्म मैं नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन आने वाले वक्त में मैं ज़रूर चाहूँगा कि इस फिल्म को मैं आपको यूट्यूब पे फ्री में दिखाऊँ। तो दोस्तों अभी आप इसकी कहानियाँ मैं ज़रूर आपके साथ में साझा करने वाला हूँ, जो कहानियों के फैक्ट हैं, तो उससे आपको ज़रूर इस फिल्म के बारे में जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जो कस्तूरी फिल्म थी वह 1980 में आई एक बहुत ही अच्छी हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थी, जिसका डायरेक्टर बिमल दत्ता जी हैं। अगर दोस्तों इसमें बात करें मुख्य कलाकार के तौर पे, तो नूतन, मिथुन चक्रवर्ती, परीक्षित सैनी, सद्धू मेहर और श्रीराम लोगों जैसे कलाकार ने इसमें काम किया है। और यह फिल्म दोस्तों जो नेशनल फिल्म अवार्ड था उसके बेस्ट फिल्म का अवार्ड दोस्तों इन्होंने जीता था, जो 1978 में हुआ था। अगर दोस्तों कुछ अन्य फैक्ट की बात करें इस फिल्म की, तो इसमें दोस्तों जो सिनेमोग्राफी का काम किया है वो के महाजन जी ने किया है, और इसके जो म्यूज़िक हैं वो बप्पी लहरी जी दिए हैं।
जी हाँ दोस्तों, ये वही बप्पी लहरी हैं जो 1980 से लेके अभी भी जो हमारे इस दौर में फिल्में बन रहे हैं उसमें बहुत ही बेहतरीन म्यूज़िक देते हैं दोस्तों। बप्पी लहरी का तो जादू दोस्तों आप उससे समझ सकते हैं कि जिस भी फिल्म में दोस्तों बप्पी लहरी जी म्यूज़िक देते थे, डेफिनेटली दोस्तों म्यूज़िक के दम पे वो फिल्म हिट हो जाया करती थी। अगर दोस्तों बात करें इस फिल्म की तो यह फिल्म 1980 में रिलीज़ हुई थी। अगर हम रनिंग टाइम की बात करें तो 125 मिनट की यह फिल्म है। और अगर बात करें दोस्तों तो यह इंडिया में रिलीज़ हुआ था, क्योंकि उस समय दोस्तों जो हमारी फिल्में थी वह केवल इंडिया में ही रिलीज़ की जाती थी। आजकल के दौर में तो इतने सारे मल्टीप्लेक्स हैं इंडिया और इंडिया के बाहर की बाकी कई सारी कंट्री में एक साथ फिल्मों को रिलीज़ किया जाता है, लेकिन अगर 1980 की दौर की बात करूँ तो उस समय मूवी केवल फिल्में केवल इंडिया में ही रिलीज़ की जाती थी। इसका दोस्तों जो लैंग्वेज था वो हिंदी था और बजट इस फिल्म का 1.5 करोड़ था। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बड़ा बजट होता है क्योंकि उस दौर में 1980 के दौर में 1.5 करोड़ के बजट से बनाने वाली फिल्में कोई मामूली फिल्में नहीं हुआ करती थी। अगर दोस्तों हम इस फिल्म की मुख्य कलाकार की बात करें तो मिथुन चक्रवर्ती, नौतान, परीक्षित सैनी, सद्धू मेहरा, श्रीराम लोगो जैसे कलाकार ने इसमें दोस्तों काम किया है। बहुत ही अच्छी फिल्म है दोस्तों। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आने वाले वक्त में मैं यह फिल्म आपके लिए साझा कर सकूँ दोस्तों। इसीलिए आपसे यह अनुरोध है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में इस फिल्म की जो जानकारी है वह आपको मिल सके। अगर दोस्तों हम इस फिल्म की कुछ अलग फैक्ट्स की बात करें दोस्तों, तो इसमें दोस्तों जो बप्पी लहरी जी थे उनको बहुत ही अच्छे अच्छे गाने मिले थे। इसमें दोस्तों उनको म्यूज़िक देने के लिए, वैसे तो वो बहुत ही बेहतरीन संगीतकार हैं जो उस दौर से लेके इस दौर तक पता नहीं कितने सारे ऐसे मूवी में उन्होंने हिट गाने दिए हैं दोस्तों। अगर दोस्तों हम बात करें इस फिल्म में, तो यह फिल्म जो है टीवी पे आज तक कभी आई नहीं है दोस्तों। माफी चाहता हूँ दोस्तों, जैसा कि मैं इस फिल्म के बारे में देख पा रहा हूँ तो इस फिल्म के बारे में ये लिखा गया है कि फिल्म वाज लेटर रिलीज्ड ऑन टीवी नेवर ऑन थिएटर, यानी कि दोस्तों यह फिल्म थिएटर में रिलीज़ नहीं किया गया था, यह केवल टेलीविज़न पे ही आया था। तो ये अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर 1.5 करोड़ की लागत से कोई फिल्म बने और उसको थिएटर पे ना रिलीज़ करके टेलीविज़न पे रिलीज़ की जाए तो कितनी बड़ी बात होती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम अभी तो यह फिल्म नहीं अपलोड कर पाएंगे, लेकिन आने वाले वक्त में मैं ज़रूर चाहूँगा कि यह फिल्म मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे फ्री में अपलोड कर सकूँ। तब तक दोस्तों मिलते हैं हम किसी अगली वीडियोस में। इसीलिए दोस्तों आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में जो भी हमारी वीडियोज़ है उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके।
दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग कस्तूरी फिल्म जो 1980 में रिलीज़ हुई थी उसको यूट्यूब पे फ्री में देखना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों बता दूं कि यह फिल्म अभी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह फिल्म अभी बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो दोस्तों, जब तक बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी तब तक यूट्यूब पे यह परमिशन नहीं मिलेगा कि इसको फ्री में अपलोड किया जा सके। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि अभी तो आपको यह फिल्म मैं नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन आने वाले वक्त में मैं ज़रूर चाहूँगा कि इस फिल्म को मैं आपको यूट्यूब पे फ्री में दिखाऊँ। तो दोस्तों, अभी आप इसकी कहानियाँ मैं ज़रूर आपके साथ में साझा करने वाला हूँ, जो कहानियों के फैक्ट हैं, तो उससे आपको ज़रूर इस फिल्म के बारे में जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जो कस्तूरी फिल्म थी वह 1980 में आई एक बहुत ही अच्छी हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थी, जिसका डायरेक्टर बिमल दत्ता जी हैं। अगर दोस्तों इसमें बात करें मुख्य कलाकार के तौर पे, तो नूतन, मिथुन चक्रवर्ती, परीक्षित सैनी, सद्दू मेहर और श्रीराम लोगो जैसे कलाकार ने इसमें काम किया है। और यह फिल्म दोस्तों जो नेशनल फिल्म अवार्ड था उसके बेस्ट फिल्म का अवार्ड दोस्तों इन्होंने जीता था, जो 1978 में हुआ था। अगर दोस्तों कुछ अन्य फैक्ट की बात करें इस फिल्म की, तो इसमें दोस्तों जो सिनेमोग्राफी का काम किया है वो के महाजन जी ने किया है, और इसके जो म्यूज़िक हैं वो बप्पी लहरी जी दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही बप्पी लहरी हैं जो 1980 से लेके अभी भी जो हमारे इस दौर में फिल्में बन रहे हैं उसमें बहुत ही बेहतरीन म्यूज़िक देते हैं। दोस्तों, बप्पी लहरी का तो जादू दोस्तों आप उससे समझ सकते हैं कि जिस भी फिल्म में दोस्तों बप्पी लहरी जी म्यूज़िक देते थे, डेफिनेटली दोस्तों म्यूज़िक के दम पे वो फिल्म हिट हो जाया करती थी। अगर दोस्तों बात करें इस फिल्म की, तो यह फिल्म 1980 में रिलीज़ हुई थी। अगर हम रनिंग टाइम की बात करें तो 125 मिनट की यह फिल्म है। और अगर बात करें दोस्तों तो यह इंडिया में रिलीज़ हुआ था, क्योंकि उस समय दोस्तों जो हमारी फिल्में थी वह केवल इंडिया में ही रिलीज़ की जाती थी। आजकल के दौर में तो इतने सारे मल्टीप्लेक्स हैं इंडिया और इंडिया के बाहर की बाकी कई सारी कंट्री में एक साथ फिल्मों को रिलीज़ किया जाता है, लेकिन अगर 1980 की दौर की बात करूँ तो उस समय मूवी केवल फिल्में केवल इंडिया में ही रिलीज़ की जाती थी। इसका दोस्तों जो लैंग्वेज था वो हिंदी था, और बजट इस फिल्म का 1.5 करोड़ था। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बड़ा बजट होता है, क्योंकि उस दौर में 1980 के दौर में 1.5 करोड़ के बजट से बनाने वाली फिल्में कोई मामूली फिल्में नहीं हुआ करती थी। अगर दोस्तों हम इस फिल्म की मुख्य कलाकार की बात करें, तो मिथुन चक्रवर्ती, नौतान, परीक्षित सैनी, सद्धू मेहरा, श्री राम लोगो जैसे कलाकार ने इसमें दोस्तों काम किया है। बहुत ही अच्छी फिल्म है दोस्तों। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आने वाले वक्त में मैं यह फिल्म आपके लिए साझा कर सकूँ दोस्तों। इसीलिए आपसे यह अनुरोध है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में इस फिल्म की जो जानकारी है वह आपको मिल सके। अगर दोस्तों हम इस फिल्म की कुछ अलग फैक्ट्स की बात करें दोस्तों, तो इसमें दोस्तों जो
बप्पी लहरी दी थे, उनको बहुत ही अच्छे अच्छे गाने मिले थे इसमें दोस्तों। उनको म्यूज़िक देने के लिए, वैसे तो वो बहुत ही बेहतरीन संगीतकार हैं, जो उस दौर से लेके इस दौर तक पता नहीं कितने सारे ऐसे मूवी में उन्होंने हिट गाने दिए हैं दोस्तों। अगर दोस्तों हम बात करें इस फिल्म में, तो यह फिल्म जो है टीवी पे आज तक कभी आई नहीं है दोस्तों। माफी चाहता हूँ दोस्तों, जैसा कि मैं इस फिल्म के बारे में देख पा रहा हूँ, तो इस फिल्म के बारे में ये लिखा गया है कि फिल्म वाज लेटर रिलीज्ड ऑन टीवी, नेवर ऑन थिएटर। यानी कि दोस्तों यह फिल्म थिएटर में रिलीज़ नहीं किया गया था, यह केवल टेलीविज़न पे ही आया था। तो ये अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर 1.5 करोड़ की लागत से कोई फिल्म बने और उसको थिएटर पे ना रिलीज़ करके टेलीविज़न पे रिलीज़ की जाए, तो कितनी बड़ी बात होती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम अभी तो यह फिल्म नहीं अपलोड कर पाएंगे, लेकिन आने वाले वक्त में मैं ज़रूर चाहूँगा कि यह फिल्म मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे फ्री में अपलोड कर सकूँ। तब तक दोस्तों मिलते हैं हम किसी अगली वीडियोस में, इसीलिए दोस्तों आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में जो भी हमारी वीडियोस है उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग कस्तूरी फिल्म जो 1980 में रिलीज़ हुई थी उसको यूट्यूब पे फ्री में देखना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों बता दूं कि यह फिल्म अभी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह फिल्म अभी बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो दोस्तों जब तक बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी, तब तक यूट्यूब पे यह परमिशन नहीं मिलेगा कि इसको फ्री में अपलोड किया जा सके। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि अभी तो आपको यह फिल्म मैं नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन आने वाले वक्त में मैं ज़रूर चाहूँगा कि इस फिल्म को मैं आपको यूट्यूब पे फ्री में दिखाऊँ। तो दोस्तों अभी आप इसकी कहानियाँ मैं ज़रूर आपके साथ में साझा करने वाला हूँ, जो कहानियों के फैक्ट हैं, तो उससे आपको ज़रूर इस फिल्म के बारे में जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जो कस्तूरी फिल्म थी वह 1980 में आई एक बहुत ही अच्छी हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थी, जिसका डायरेक्टर बिमल दत्ता जी हैं। अगर दोस्तों इसमें बात करें मुख्य कलाकार के तौर पे, तो नूतन, मिथुन चक्रवर्ती, परीक्षित सैनी, सद्धू मेहर और श्रीराम लोगो जैसे कलाकार ने इसमें काम किया है। और यह फिल्म दोस्तों जो नेशनल फिल्म अवार्ड था उसके बेस्ट फिल्म का अवार्ड दोस्तों इन्होंने जीता था, जो 1978 में हुआ था। अगर दोस्तों कुछ अन्य फैक्ट की बात करें इस फिल्म की, तो इसमें दोस्तों जो सिनेमोग्राफी का काम किया है वो के महाजन जी ने किया है, और इसके जो म्यूज़िक हैं वो बप्पी लहरी जी दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही बप्पी लहरी हैं जो 1980 से लेके अभी भी जो हमारे इस दौर में फिल्में बन रहे हैं उसमें बहुत ही बेहतरीन म्यूज़िक देते हैं दोस्तों।
बप्पी लहरी का तो जादू दोस्तों आप उससे समझ सकते हैं कि जिस भी फिल्म में दोस्तों बप्पी लहरी जी म्यूज़िक देते थे, डेफिनेटली दोस्तों म्यूज़िक के दम पे वो फिल्म हिट हो जाया करती थी। अगर दोस्तों बात करें इस फिल्म की, तो यह फिल्म 1980 में रिलीज़ हुई थी। अगर हम रनिंग टाइम की बात करें तो 125 मिनट की यह फिल्म है। और अगर बात करें दोस्तों तो यह इंडिया में रिलीज़ हुआ था, क्योंकि उस समय दोस्तों जो हमारी फिल्में थी वह केवल इंडिया में ही रिलीज़ की जाती थी। आजकल के दौर में तो इतने सारे मल्टीप्लेक्स हैं इंडिया और इंडिया के बाहर की बाकी कई सारी कंट्री में एक साथ फिल्मों को रिलीज़ किया जाता है, लेकिन अगर 1980 की दौर की बात करूँ तो उस समय मूवी केवल फिल्में केवल इंडिया में ही रिलीज़ की जाती थी। इसका दोस्तों जो लैंग्वेज था वो हिंदी था, और बजट इस फिल्म का 1.5 करोड़ था। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बड़ा बजट होता है, क्योंकि उस दौर में 1980 के दौर में 1.5 करोड़ के बजट से बनाने वाली फिल्में कोई मामूली फिल्में नहीं हुआ करती थी। अगर दोस्तों हम इस फिल्म की मुख्य कलाकार की बात करें तो मिथुन चक्रवर्ती, नौतान, परीक्षित सैनी, सद्धू मेहरा, श्री राम लोगो जैसे कलाकार ने इसमें दोस्तों काम किया है। बहुत ही अच्छी फिल्म है दोस्तों। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आने वाले वक्त में मैं यह फिल्म आपके लिए साझा कर सकूँ दोस्तों। इसीलिए आपसे यह अनुरोध है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में इस फिल्म की जो जानकारी है वह आपको मिल सके। अगर दोस्तों हम इस फिल्म की कुछ अलग फैक्ट्स की बात करें दोस्तों, तो इसमें दोस्तों जो बप्पी लहरी जी थे उनको बहुत ही अच्छे अच्छे गाने मिले थे। इसमें दोस्तों उनको म्यूज़िक देने के लिए, वैसे तो वो बहुत ही बेहतरीन संगीतकार हैं, जो उस दौर से लेके इस दौर तक पता नहीं कितने सारे ऐसे मूवी में उन्होंने हिट गाने दिए हैं दोस्तों। अगर दोस्तों हम बात करें इस फिल्म में, तो यह फिल्म जो है टीवी पे आज तक कभी आई नहीं है दोस्तों। माफी चाहता हूँ दोस्तों, जैसा कि मैं इस फिल्म के बारे में देख पा रहा हूँ तो इस फिल्म के बारे में ये लिखा गया है कि फिल्म वाज लेटर रिलीज्ड ऑन टीवी नेवर ऑन थिएटर, यानी कि दोस्तों यह फिल्म थिएटर में रिलीज़ नहीं किया गया था, यह केवल टेलीविज़न पे ही आया था। तो ये अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर 1.5 करोड़ की लागत से कोई फिल्म बने और उसको थिएटर पे ना रिलीज़ करके टेलीविज़न पे रिलीज़ की जाए तो कितनी बड़ी बात होती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम अभी तो यह फिल्म नहीं अपलोड कर पाएंगे, लेकिन आने वाले वक्त में मैं ज़रूर चाहूँगा कि यह फिल्म मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे फ्री में अपलोड कर सकूँ। तब तक दोस्तों मिलते हैं हम किसी अगली वीडियोस में। इसीलिए दोस्तों आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में जो भी हमारी वीडियोज़ है उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग कस्तूरी फिल्म जो 1980 में रिलीज़ हुई थी उसको यूट्यूब पे फ्री में देखना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों बता दूं कि यह फिल्म अभी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे फ्री में उपलब्ध नहीं है,
क्योंकि यह फिल्म अभी बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो दोस्तों, जब तक बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी, तब तक यूट्यूब पे यह परमिशन नहीं मिलेगा कि इसको फ्री में अपलोड किया जा सके। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि अभी तो आपको यह फिल्म मैं नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन आने वाले वक्त में मैं ज़रूर चाहूँगा कि इस फिल्म को मैं आपको यूट्यूब पे फ्री में दिखाऊँ। तो दोस्तों, अभी आप इसकी कहानियाँ मैं ज़रूर आपके साथ में साझा करने वाला हूँ, जो कहानियों के फैक्ट हैं, तो उससे आपको ज़रूर इस फिल्म के बारे में जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जो कस्तूरी फिल्म थी वह 1980 में आई एक बहुत ही अच्छी हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थी, जिसका डायरेक्टर बिमल दत्ता जी हैं। अगर दोस्तों इसमें बात करें मुख्य कलाकार के तौर पे, तो नूतन, मिथुन चक्रवर्ती, परीक्षित सैनी, सद्दू मेहर और श्रीराम लोगों जैसे कलाकार ने इसमें काम किया है। और यह फिल्म दोस्तों जो नेशनल फिल्म अवार्ड था, उसके बेस्ट फिल्म का अवार्ड दोस्तों इन्होंने जीता था, जो 1978 में हुआ था। अगर दोस्तों कुछ अन्य फैक्ट की बात करें इस फिल्म की, तो इसमें दोस्तों जो सिनेमोग्राफी का काम किया है वो के महाजन जी ने किया है, और इसके जो म्यूज़िक हैं वो बप्पी लहरी जी दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही बप्पी लहरी हैं जो 1980 से लेके अभी भी जो हमारे इस दौर में फिल्में बन रहे हैं उसमें बहुत ही बेहतरीन म्यूज़िक देते हैं दोस्तों। बप्पी लहरी का तो जादू दोस्तों आप उससे समझ सकते हैं कि जिस भी फिल्म में दोस्तों बप्पी लहरी जी म्यूज़िक देते थे, डेफिनेटली दोस्तों म्यूज़िक के दम पे वो फिल्म हिट हो जाया करती थी। अगर दोस्तों बात करें इस फिल्म की, तो यह फिल्म 1980 में रिलीज़ हुई थी। अगर हम रनिंग टाइम की बात करें तो 125 मिनट की यह फिल्म है। और अगर बात करें दोस्तों तो यह इंडिया में रिलीज़ हुआ था, क्योंकि उस समय दोस्तों जो हमारी फिल्में थी वह केवल इंडिया में ही रिलीज़ की जाती थी। आजकल के दौर में तो इतने सारे मल्टीप्लेक्स हैं इंडिया और इंडिया के बाहर की बाकी कई सारी कंट्री में एक साथ फिल्मों को रिलीज़ किया जाता है, लेकिन अगर 1980 की दौर की बात करूँ तो उस समय मूवी केवल फिल्में केवल इंडिया में ही रिलीज़ की जाती थी। इसका दोस्तों जो लैंग्वेज था वो हिंदी था, और बजट इस फिल्म का 1.5 करोड़ था। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बड़ा बजट होता है, क्योंकि उस दौर में 1980 के दौर में 1.5 करोड़ के बजट से बनाने वाली फिल्में कोई मामूली फिल्में नहीं हुआ करती थी। अगर दोस्तों हम इस फिल्म की मुख्य कलाकार की बात करें, तो मिथुन चक्रवर्ती, नौतान, परीक्षित सैनी, सद्धू मेहरा, श्री राम लोगो जैसे कलाकार ने इसमें दोस्तों काम किया है। बहुत ही अच्छी फिल्म है दोस्तों। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आने वाले वक्त में मैं यह फिल्म आपके लिए साझा कर सकूँ दोस्तों। इसीलिए आपसे यह अनुरोध है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में इस फिल्म की जो जानकारी है वह आपको मिल सके। अगर दोस्तों हम इस फिल्म की कुछ अलग फैक्ट्स की बात करें दोस्तों, तो इसमें दोस्तों जो बप्पी लहरी जी थे उनको बहुत ही अच्छे अच्छे गाने मिले थे इसमें दोस्तों। उनको म्यूज़िक देने के लिए, वैसे तो वो बहुत ही बेहतरीन संगीतकार हैं, जो उस दौर से लेके इस दौर तक पता नहीं कितने सारे ऐसे मूवी में उन्होंने हिट गाने दिए हैं दोस्तों। अगर दोस्तों हम बात करें इस फिल्म में, तो यह फिल्म जो है
टीवी पे आज तक कभी आई नहीं है दोस्तों। माफी चाहता हूँ दोस्तों, जैसा कि मैं इस फिल्म के बारे में देख पा रहा हूँ तो इस फिल्म के बारे में ये लिखा गया है कि फिल्म वाज लेटर रिलीज्ड ऑन टीवी नेवर ऑन थिएटर, यानी कि दोस्तों यह फिल्म थिएटर में रिलीज़ नहीं किया गया था, यह केवल टेलीविज़न पे ही आया था। तो ये अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर 1.5 करोड़ की लागत से कोई फिल्म बने और उसको थिएटर पे ना रिलीज़ करके टेलीविज़न पे रिलीज़ की जाए तो कितनी बड़ी बात होती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम अभी तो यह फिल्म नहीं अपलोड कर पाएंगे, लेकिन आने वाले वक्त में मैं ज़रूर चाहूँगा कि यह फिल्म मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे फ्री में अपलोड कर सकूँ। तब तक दोस्तों मिलते हैं हम किसी अगली वीडियोस में, इसीलिए दोस्तों आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में जो भी हमारी वीडियोस है उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग कस्तूरी फिल्म जो 1980 में रिलीज़ हुई थी उसको यूट्यूब पे फ्री में देखना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों बता दूं कि यह फिल्म अभी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह फिल्म अभी बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो दोस्तों जब तक बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी तब तक यूट्यूब पे यह परमिशन नहीं मिलेगा कि इसको फ्री में अपलोड किया जा सके। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि अभी तो आपको यह फिल्म मैं नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन आने वाले वक्त में मैं ज़रूर चाहूँगा कि इस फिल्म को मैं आपको यूट्यूब पे फ्री में दिखाऊँ। तो दोस्तों अभी आप इसकी कहानियाँ मैं ज़रूर आपके साथ में साझा करने वाला हूँ, जो कहानियों के फैक्ट हैं, तो उससे आपको ज़रूर इस फिल्म के बारे में जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जो कस्तूरी फिल्म थी वह 1980 में आई एक बहुत ही अच्छी हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थी, जिसका डायरेक्टर बिमल दत्ता जी हैं। अगर दोस्तों इसमें बात करें मुख्य कलाकार के तौर पे तो नूतन, मिथुन चक्रवर्ती, परीक्षित सैनी, सद्दू मेहर और श्रीराम लोगो जैसे कलाकार ने इसमें काम किया है। और यह फिल्म दोस्तों जो नेशनल फिल्म अवार्ड था उसके बेस्ट फिल्म का अवार्ड दोस्तों इन्होंने जीता था, जो 1978 में हुआ था। अगर दोस्तों कुछ अन्य फैक्ट की बात करें इस फिल्म की, तो इसमें दोस्तों जो सिनेमोग्राफी का काम किया है वो के महाजन जी ने किया है, और इसके जो म्यूज़िक हैं वो बप्पी लहरी जी दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही बप्पी लहरी हैं जो 1980 से लेके अभी भी जो हमारे इस दौर में फिल्में बन रहे हैं उसमें बहुत ही बेहतरीन म्यूज़िक देते हैं। दोस्तों बप्पी लहरी का तो जादू दोस्तों आप उससे समझ सकते हैं कि जिस भी फिल्म में दोस्तों बप्पी लहरी जी म्यूज़िक देते थे, डेफिनेटली दोस्तों म्यूज़िक के दम पे वो फिल्म हिट हो जाया करती थी। अगर दोस्तों बात करें इस फिल्म की, तो यह फिल्म 1980 में रिलीज़ हुई थी। अगर हम रनिंग टाइम की बात करें तो 125 मिनट की यह फिल्म है, और अगर
बात करें दोस्तों, तो यह इंडिया में रिलीज़ हुआ था, क्योंकि उस समय दोस्तों जो हमारी फिल्में थी वह केवल इंडिया में ही रिलीज़ की जाती थी। आजकल के दौर में तो इतने सारे मल्टीप्लेक्स हैं इंडिया और इंडिया के बाहर की बाकी कई सारी कंट्री में एक साथ फिल्मों को रिलीज़ किया जाता है। लेकिन अगर 1980 की दौर की बात करूँ तो उस समय मूवी केवल फिल्में केवल इंडिया में ही रिलीज़ की जाती थी। इसका दोस्तों जो लैंग्वेज था वो हिंदी था और बजट इस फिल्म का 1.5 करोड़ था। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बड़ा बजट होता है, क्योंकि उस दौर में 1980 के दौर में 1.5 करोड़ के बजट से बनाने वाली फिल्में कोई मामूली फिल्में नहीं हुआ करती थी। अगर दोस्तों हम इस फिल्म की मुख्य कलाकार की बात करें तो मिथुन चक्रवर्ती, नौतान, परीक्षित सैनी, सद्धू मेहरा, श्री राम लोगो जैसे कलाकार ने इसमें दोस्तों काम किया है। बहुत ही अच्छी फिल्म है दोस्तों। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आने वाले वक्त में मैं यह फिल्म आपके लिए साझा कर सकूँ दोस्तों। इसीलिए आपसे यह अनुरोध है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में इस फिल्म की जो जानकारी है वह आपको मिल सके। अगर दोस्तों हम इस फिल्म की कुछ अलग फैक्ट्स की बात करें दोस्तों, तो इसमें दोस्तों जो बप्पी लहरी दी थे उनको बहुत ही अच्छे अच्छे गाने मिले थे। इसमें दोस्तों उनको म्यूज़िक देने के लिए, वैसे तो वो बहुत ही बेहतरीन संगीतकार हैं, जो उस दौर से लेके इस दौर तक पता नहीं कितने सारे ऐसे मूवी में उन्होंने हिट गाने दिए हैं दोस्तों। अगर दोस्तों हम बात करें इस फिल्म में, तो यह फिल्म जो है टीवी पे आज तक कभी आई नहीं है दोस्तों। माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, जैसा कि मैं इस फिल्म के बारे में देख पा रहा हूँ, तो इस फिल्म के बारे में ये लिखा गया है कि फिल्म वाज लेटर रिलीज्ड ऑन टीवी, नेवर ऑन थिएटर। यानी कि दोस्तों यह फिल्म थिएटर में रिलीज़ नहीं किया गया था, यह केवल टेलीविज़न पे ही आया था। तो ये अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर 1.5 करोड़ की लागत से कोई फिल्म बने और उसको थिएटर पे ना रिलीज़ करके टेलीविज़न पे रिलीज़ की जाए, तो कितनी बड़ी बात होती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम अभी तो यह फिल्म नहीं अपलोड कर पाएंगे, लेकिन आने वाले वक्त में मैं ज़रूर चाहूँगा कि यह फिल्म मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे फ्री में अपलोड कर सकूँ। तब तक दोस्तों मिलते हैं हम किसी अगली वीडियोस में। इसीलिए दोस्तों आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में जो भी हमारी वीडियोज़ है उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग कस्तूरी फिल्म जो 1980 में रिलीज़ हुई थी उसको यूट्यूब पे फ्री में देखना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों बता दूं कि यह फिल्म अभी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह फिल्म अभी बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो दोस्तों जब तक बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी, तब तक यूट्यूब पे यह परमिशन नहीं मिलेगा कि इसको फ्री में अपलोड किया जा सके। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि अभी तो आपको यह फिल्म मैं नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन आने वाले वक्त में मैं ज़रूर चाहूंगा कि इस फिल्म को मैं आपको यूट्यूब पे फ्री में दिखाऊं।
तो दोस्तों अभी आप इसकी कहानियाँ मैं ज़रूर आपके साथ में साझा करने वाला हूँ, जो कहानियों के फैक्ट हैं, तो उससे आपको ज़रूर इस फिल्म के बारे में जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जो कस्तूरी फिल्म थी वह 1980 में आई एक बहुत ही अच्छी हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थी, जिसका डायरेक्टर बिमल दत्ता जी हैं। अगर दोस्तों इसमें बात करें मुख्य कलाकार के तौर पे, तो नूतन, मिथुन चक्रवर्ती, परीक्षित सैनी, सद्दू मेहर और श्रीराम लोगो जैसे कलाकार ने इसमें काम किया है। और यह फिल्म दोस्तों जो नेशनल फिल्म अवार्ड था उसके बेस्ट फिल्म का अवार्ड दोस्तों इन्होंने जीता था, जो 1978 में हुआ था। अगर दोस्तों कुछ अन्य फैक्ट की बात करें इस फिल्म की, तो इसमें दोस्तों जो सिनेमोग्राफी का काम किया है वो के महाजन जी ने किया है, और इसके जो म्यूज़िक हैं वो बप्पी लहरी जी दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही बप्पी लहरी हैं जो 1980 से लेके अभी भी जो हमारे इस दौर में फिल्में बन रहे हैं उसमें बहुत ही बेहतरीन म्यूज़िक देते हैं। दोस्तों बप्पी लहरी का तो जादू दोस्तों आप उससे समझ सकते हैं कि जिस भी फिल्म में दोस्तों बप्पी लहरी जी म्यूज़िक देते थे, डेफिनेटली दोस्तों म्यूज़िक के दम पे वो फिल्म हिट हो जाया करती थी। अगर दोस्तों बात करें इस फिल्म की, तो यह फिल्म 1980 में रिलीज़ हुई थी। अगर हम रनिंग टाइम की बात करें तो 125 मिनट की यह फिल्म है। और अगर बात करें दोस्तों तो यह इंडिया में रिलीज़ हुआ था, क्योंकि उस समय दोस्तों जो हमारी फिल्में थी वह केवल इंडिया में ही रिलीज़ की जाती थी। आजकल के दौर में तो इतने सारे मल्टीप्लेक्स हैं इंडिया और इंडिया के बाहर की बाकी कई सारी कंट्री में एक साथ फिल्मों को रिलीज़ किया जाता है, लेकिन अगर 1980 की दौर की बात करूँ तो उस समय मूवी केवल फिल्में केवल इंडिया में ही रिलीज़ की जाती थी। इसका दोस्तों जो लैंग्वेज था वो हिंदी था, और बजट इस फिल्म का 1.5 करोड़ था। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बड़ा बजट होता है, क्योंकि उस दौर में 1980 के दौर में 1.5 करोड़ के बजट से बनाने वाली फिल्में कोई मामूली फिल्में नहीं हुआ करती थी। अगर दोस्तों हम इस फिल्म की मुख्य कलाकार की बात करें, तो मिथुन चक्रवर्ती, नौतान, परीक्षित सैनी, सद्धू मेहरा, श्री राम लोगो जैसे कलाकार ने इसमें दोस्तों काम किया है। बहुत ही अच्छी फिल्म है दोस्तों। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आने वाले वक्त में मैं यह फिल्म आपके लिए साझा कर सकूँ दोस्तों, इसीलिए आपसे यह अनुरोध है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में इस फिल्म की जो जानकारी है वह आपको मिल सके। अगर दोस्तों हम इस फिल्म की कुछ अलग फैक्ट्स की बात करें दोस्तों, तो इसमें दोस्तों जो बप्पी लहरी दी थे उनको बहुत ही अच्छे अच्छे गाने मिले थे। इसमें दोस्तों उनको म्यूज़िक देने के लिए, वैसे तो वो बहुत ही बेहतरीन संगीतकार हैं, जो उस दौर से लेके इस दौर तक पता नहीं कितने सारे ऐसे मूवी में उन्होंने हिट गाने दिए हैं दोस्तों। अगर दोस्तों हम बात करें इस फिल्म में, तो यह फिल्म जो है टीवी पे आज तक कभी आई नहीं है दोस्तों। माफी चाहता हूँ दोस्तों, जैसा कि मैं इस फिल्म के बारे में देख पा रहा हूँ, तो इस फिल्म के बारे में ये लिखा गया है कि फिल्म वाज लेटर रिलीज्ड ऑन टीवी, नेवर ऑन थिएटर। यानी कि दोस्तों यह फिल्म थिएटर में रिलीज़ नहीं किया गया था, यह केवल टेलीविज़न पे ही आया था।
तो ये अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर 1.5 करोड़ की लागत से कोई फिल्म बने और उसको थिएटर पे ना रिलीज़ करके टेलीविज़न पे रिलीज़ की जाए तो कितनी बड़ी बात होती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम अभी तो यह फिल्म नहीं अपलोड कर पाएंगे, लेकिन आने वाले वक्त में मैं ज़रूर चाहूँगा कि यह फिल्म मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे फ्री में अपलोड कर सकूँ। तब तक दोस्तों मिलते हैं हम किसी अगली वीडियोस में। इसीलिए दोस्तों आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में जो भी हमारी वीडियोस है उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग कस्तूरी फिल्म जो 1980 में रिलीज़ हुई थी उसको यूट्यूब पे फ्री में देखना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों बता दूं कि यह फिल्म अभी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह फिल्म अभी बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो दोस्तों जब तक बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी तब तक यूट्यूब पे यह परमिशन नहीं मिलेगा कि इसको फ्री में अपलोड किया जा सके। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि अभी तो आपको यह फिल्म मैं नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन आने वाले वक्त में मैं ज़रूर चाहूँगा कि इस फिल्म को मैं आपको यूट्यूब पे फ्री में दिखाऊँ। तो दोस्तों अभी आप इसकी कहानियाँ मैं ज़रूर आपके साथ में साझा करने वाला हूँ, जो कहानियों के फैक्ट हैं, तो उससे आपको ज़रूर इस फिल्म के बारे में जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जो कस्तूरी फिल्म थी वह 1980 में आई एक बहुत ही अच्छी हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थी, जिसका डायरेक्टर बिमल दत्ता जी हैं। अगर दोस्तों इसमें बात करें मुख्य कलाकार के तौर पे तो नूतन, मिथुन चक्रवर्ती, परीक्षित सैनी, सद्धू मेहर और श्रीराम लोगो जैसे कलाकार ने इसमें काम किया है। और यह फिल्म दोस्तों जो नेशनल फिल्म अवार्ड था उसके बेस्ट फिल्म का अवार्ड दोस्तों इन्होंने जीता था, जो 1978 में हुआ था। अगर दोस्तों कुछ अन्य फैक्ट की बात करें इस फिल्म की, तो इसमें दोस्तों जो सिनेमोग्राफी का काम किया है वो के महाजन जी ने किया है, और इसके जो म्यूज़िक हैं वो बप्पी लहरी जी दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही बप्पी लहरी हैं जो 1980 से लेके अभी भी जो हमारे इस दौर में फिल्में बन रहे हैं उसमें बहुत ही बेहतरीन म्यूज़िक देते हैं दोस्तों। बप्पी लहरी का तो जादू दोस्तों आप उससे समझ सकते हैं कि जिस भी फिल्म में दोस्तों बप्पी लहरी जी म्यूज़िक देते थे, डेफिनेटली दोस्तों म्यूज़िक के दम पे वो फिल्म हिट हो जाया करती थी। अगर दोस्तों बात करें इस फिल्म की, तो यह फिल्म 1980 में रिलीज़ हुई थी। अगर हम रनिंग टाइम की बात करें तो 125 मिनट की यह फिल्म है। और अगर बात करें दोस्तों तो यह इंडिया में रिलीज़ हुआ था, क्योंकि उस समय दोस्तों जो हमारी फिल्में थी वह केवल इंडिया में ही रिलीज़ की जाती थी। आजकल के दौर में तो इतने सारे मल्टीप्लेक्स हैं इंडिया और इंडिया के बाहर की बाकी कई सारी कंट्री में एक साथ फिल्मों को रिलीज़ किया जाता है, लेकिन अगर 1980 की दौर की बात करूँ तो उस समय मूवी केवल फिल्में केवल इंडिया में ही रिलीज़ की जाती थी।
इसका दोस्तों जो लैंग्वेज था वो हिंदी था, और बजट इस फिल्म का 1.5 करोड़ था। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बड़ा बजट होता है, क्योंकि उस दौर में 1980 के दौर में 1.5 करोड़ के बजट से बनाने वाली फिल्में कोई मामूली फिल्में नहीं हुआ करती थी। अगर दोस्तों हम इस फिल्म की मुख्य कलाकार की बात करें तो मिथुन चक्रवर्ती, नौतान, परीक्षित सैनी, सद्धू मेहरा, श्रीराम लोगो जैसे कलाकार ने इसमें दोस्तों काम किया है। बहुत ही अच्छी फिल्म है दोस्तों। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आने वाले वक्त में मैं यह फिल्म आपके लिए साझा कर सकूँ दोस्तों। इसीलिए आपसे यह अनुरोध है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में इस फिल्म की जो जानकारी है वह आपको मिल सके। अगर दोस्तों हम इस फिल्म की कुछ अलग फैक्ट्स की बात करें दोस्तों, तो इसमें दोस्तों जो बप्पी लहरी जी थे उनको बहुत ही अच्छे अच्छे गाने मिले थे। इसमें दोस्तों उनको म्यूज़िक देने के लिए, वैसे तो वो बहुत ही बेहतरीन संगीतकार हैं, जो उस दौर से लेके इस दौर तक पता नहीं कितने सारे ऐसे मूवी में उन्होंने हिट गाने दिए हैं दोस्तों। अगर दोस्तों हम बात करें इस फिल्म में, तो यह फिल्म जो है टीवी पे आज तक कभी आई नहीं है दोस्तों। माफी चाहता हूँ दोस्तों, जैसा कि मैं इस फिल्म के बारे में देख पा रहा हूँ, तो इस फिल्म के बारे में ये लिखा गया है कि फिल्म वाज लेटर रिलीज्ड ऑन टीवी नेवर ऑन थिएटर, यानी कि दोस्तों यह फिल्म थिएटर में रिलीज़ नहीं किया गया था, यह केवल टेलीविज़न पे ही आया था। तो ये अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर 1.5 करोड़ की लागत से कोई फिल्म बने और उसको थिएटर पे ना रिलीज़ करके टेलीविज़न पे रिलीज़ की जाए, तो कितनी बड़ी बात होती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम अभी तो यह फिल्म नहीं अपलोड कर पाएंगे, लेकिन आने वाले वक्त में मैं ज़रूर चाहूँगा कि यह फिल्म मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे फ्री में अपलोड कर सकूँ। तब तक दोस्तों मिलते हैं हम किसी अगली वीडियोस में। इसीलिए दोस्तों आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में जो भी हमारी वीडियोस है उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग कस्तूरी फिल्म जो 1980 में रिलीज़ हुई थी उसको यूट्यूब पे फ्री में देखना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों बता दूं कि यह फिल्म अभी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह फिल्म अभी बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो दोस्तों जब तक बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी, तब तक यूट्यूब पे यह परमिशन नहीं मिलेगा कि इसको फ्री में अपलोड किया जा सके। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि अभी तो आपको यह फिल्म मैं नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन आने वाले वक्त में मैं ज़रूर चाहूँगा कि इस फिल्म को मैं आपको यूट्यूब पे फ्री में दिखाऊँ। तो दोस्तों अभी आप इसकी कहानियाँ मैं ज़रूर आपके साथ में साझा करने वाला हूँ, जो कहानियों के फैक्ट हैं, तो उससे आपको ज़रूर इस फिल्म के बारे में जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं।
दोस्तों जो कस्तूरी फिल्म थी वह 1980 में आई एक बहुत ही अच्छी हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थी, जिसका डायरेक्टर बिमल दत्ता जी हैं। अगर दोस्तों इसमें बात करें मुख्य कलाकार के तौर पे, तो नूतन, मिथुन चक्रवर्ती, परीक्षित सैनी, सद्धू मेहर और श्रीराम लोगो जैसे कलाकार ने इसमें काम किया है। और यह फिल्म दोस्तों जो नेशनल फिल्म अवार्ड था उसके बेस्ट फिल्म का अवार्ड दोस्तों इन्होंने जीता था, जो 1978 में हुआ था। अगर दोस्तों कुछ अन्य फैक्ट की बात करें इस फिल्म की, तो इसमें दोस्तों जो सिनेमोग्राफी का काम किया है वो के महाजन जी ने किया है, और इसके जो म्यूज़िक हैं वो बप्पी लहरी जी दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही बप्पी लहरी हैं जो 1980 से लेके अभी भी जो हमारे इस दौर में फिल्में बन रहे हैं उसमें बहुत ही बेहतरीन म्यूज़िक देते हैं दोस्तों। बप्पी लहरी का तो जादू दोस्तों आप उससे समझ सकते हैं कि जिस भी फिल्म में दोस्तों बप्पी लहरी जी म्यूज़िक देते थे, डेफिनेटली दोस्तों म्यूज़िक के दम पे वो फिल्म हिट हो जाया करती थी। अगर दोस्तों बात करें इस फिल्म की, तो यह फिल्म 1980 में रिलीज़ हुई थी। अगर हम रनिंग टाइम की बात करें तो 125 मिनट की यह फिल्म है। और अगर बात करें दोस्तों तो यह इंडिया में रिलीज़ हुआ था, क्योंकि उस समय दोस्तों जो हमारी फिल्में थी वह केवल इंडिया में ही रिलीज़ की जाती थी। आजकल के दौर में तो इतने सारे मल्टीप्लेक्स हैं इंडिया और इंडिया के बाहर की बाकी कई सारी कंट्री में एक साथ फिल्मों को रिलीज़ किया जाता है, लेकिन अगर 1980 की दौर की बात करूँ तो उस समय मूवी केवल फिल्में केवल इंडिया में ही रिलीज़ की जाती थी। इसका दोस्तों जो लैंग्वेज था वो हिंदी था, और बजट इस फिल्म का 1.5 करोड़ था। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बड़ा बजट होता है, क्योंकि उस दौर में 1980 के दौर में 1.5 करोड़ के बजट से बनाने वाली फिल्में कोई मामूली फिल्में नहीं हुआ करती थी। अगर दोस्तों हम इस फिल्म की मुख्य कलाकार की बात करें, तो मिथुन चक्रवर्ती, नौतान, परीक्षित सैनी, सद्धू मेहरा, श्री राम लोगो जैसे कलाकार ने इसमें दोस्तों काम किया है। बहुत ही अच्छी फिल्म है दोस्तों। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आने वाले वक्त में मैं यह फिल्म आपके लिए साझा कर सकूँ दोस्तों। इसीलिए आपसे यह अनुरोध है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में इस फिल्म की जो जानकारी है वह आपको मिल सके। अगर दोस्तों हम इस फिल्म की कुछ अलग फैक्ट्स की बात करें दोस्तों, तो इसमें दोस्तों जो बप्पी लहरी जी थे उनको बहुत ही अच्छे अच्छे गाने मिले थे इसमें दोस्तों। उनको म्यूज़िक देने के लिए, वैसे तो वो बहुत ही बेहतरीन संगीतकार हैं, जो उस दौर से लेके इस दौर तक पता नहीं कितने सारे ऐसे मूवी में उन्होंने हिट गाने दिए हैं दोस्तों। अगर दोस्तों हम बात करें इस फिल्म में, तो यह फिल्म जो है टीवी पे आज तक कभी आई नहीं है दोस्तों। माफी चाहता हूँ दोस्तों, जैसा कि मैं इस फिल्म के बारे में देख पा रहा हूँ, तो इस फिल्म के बारे में ये लिखा गया है कि फिल्म वाज लेटर रिलीज्ड ऑन टीवी, नेवर ऑन थिएटर। यानी कि दोस्तों यह फिल्म थिएटर में रिलीज़ नहीं किया गया था, यह केवल टेलीविज़न पे ही आया था। तो ये अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर 1.5 करोड़ की लागत से कोई फिल्म बने और उसको थिएटर पे ना रिलीज़ करके टेलीविज़न पे रिलीज़ की जाए, तो कितनी बड़ी बात होती है दोस्तों।
तो चलिए दोस्तों, हम अभी तो यह फिल्म नहीं अपलोड कर पाएंगे, लेकिन आने वाले वक्त में मैं ज़रूर चाहूँगा कि यह फिल्म मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे फ्री में अपलोड कर सकूँ। तब तक दोस्तों, मिलते हैं हम किसी अगली वीडियोस में। इसीलिए दोस्तों, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में जो भी हमारी वीडियोस है उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग कस्तूरी फिल्म जो 1980 में रिलीज़ हुई थी उसको यूट्यूब पे फ्री में देखना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों बता दूं कि यह फिल्म अभी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह फिल्म अभी बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो दोस्तों, जब तक बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी तब तक यूट्यूब पे यह परमिशन नहीं मिलेगा कि इसको फ्री में अपलोड किया जा सके। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि अभी तो आपको यह फिल्म मैं नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन आने वाले वक्त में मैं ज़रूर चाहूँगा कि इस फिल्म को मैं आपको यूट्यूब पे फ्री में दिखाऊँ। तो दोस्तों, अभी आप इसकी कहानियाँ मैं ज़रूर आपके साथ में साझा करने वाला हूँ, जो कहानियों के फैक्ट हैं, तो उससे आपको ज़रूर इस फिल्म के बारे में जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जो कस्तूरी फिल्म थी वह 1980 में आई एक बहुत ही अच्छी हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थी, जिसका डायरेक्टर बिमल दत्ता जी हैं। अगर दोस्तों इसमें बात करें मुख्य कलाकार के तौर पे, तो नूतन, मिथुन चक्रवर्ती, परीक्षित सैनी, सद्दू मेहर और श्रीराम लोगो जैसे कलाकार ने इसमें काम किया है। और यह फिल्म दोस्तों जो नेशनल फिल्म अवार्ड था उसके बेस्ट फिल्म का अवार्ड दोस्तों इन्होंने जीता था, जो 1978 में हुआ था। अगर दोस्तों कुछ अन्य फैक्ट की बात करें इस फिल्म की, तो इसमें दोस्तों जो सिनेमोग्राफी का काम किया है वो के महाजन जी ने किया है, और इसके जो म्यूज़िक हैं वो बप्पी लहरी जी दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही बप्पी लहरी हैं जो 1980 से लेके अभी भी जो हमारे इस दौर में फिल्में बन रहे हैं उसमें बहुत ही बेहतरीन म्यूज़िक देते हैं। दोस्तों, बप्पी लहरी का तो जादू दोस्तों आप उससे समझ सकते हैं कि जिस भी फिल्म में दोस्तों बप्पी लहरी जी म्यूज़िक देते थे, डेफिनेटली दोस्तों म्यूज़िक के दम पे वो फिल्म हिट हो जाया करती थी। अगर दोस्तों बात करें इस फिल्म की, तो यह फिल्म 1980 में रिलीज़ हुई थी। अगर हम रनिंग टाइम की बात करें तो 125 मिनट की यह फिल्म है। और अगर बात करें दोस्तों तो यह इंडिया में रिलीज़ हुआ था, क्योंकि उस समय दोस्तों जो हमारी फिल्में थी वह केवल इंडिया में ही रिलीज़ की जाती थी। आजकल के दौर में तो इतने सारे मल्टीप्लेक्स हैं इंडिया और इंडिया के बाहर की बाकी कई सारी कंट्री में एक साथ फिल्मों को रिलीज़ किया जाता है, लेकिन अगर 1980 की दौर की बात करूँ तो उस समय मूवी केवल फिल्में केवल इंडिया में ही रिलीज़ की जाती थी। इसका दोस्तों जो लैंग्वेज था वो हिंदी था, और बजट इस फिल्म का 1.5 करोड़ था। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बड़ा बजट होता है, क्योंकि उस दौर में 1980 के दौर में 1.5 करोड़ के बजट से बनाने वाली फिल्में कोई मामूली फिल्में नहीं हुआ करती थी। अगर दोस्तों हम इस फिल्म की मुख्य कलाकार की बात करें, तो मिथुन चक्रवर्ती, नौतान, परीक्षित सैनी,
सद्धू मेहरा, श्री राम लोगो जैसे कलाकार ने इसमें दोस्तों काम किया है। बहुत ही अच्छी फिल्म है दोस्तों। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आने वाले वक्त में मैं यह फिल्म आपके लिए साझा कर सकूँ दोस्तों। इसीलिए आपसे यह अनुरोध है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में इस फिल्म की जो जानकारी है वह आपको मिल सके। अगर दोस्तों हम इस फिल्म की कुछ अलग फैक्ट्स की बात करें दोस्तों, तो इसमें दोस्तों जो बप्पी लहरी दी थे उनको बहुत ही अच्छे अच्छे गाने मिले थे। इसमें दोस्तों उनको म्यूज़िक देने के लिए, वैसे तो वो बहुत ही बेहतरीन संगीतकार हैं, जो उस दौर से लेके इस दौर तक पता नहीं कितने सारे ऐसे मूवी में उन्होंने हिट गाने दिए हैं दोस्तों। अगर दोस्तों हम बात करें इस फिल्म में, तो यह फिल्म जो है टीवी पे आज तक कभी आई नहीं है दोस्तों। माफी चाहता हूँ दोस्तों, जैसा कि मैं इस फिल्म के बारे में देख पा रहा हूँ, तो इस फिल्म के बारे में ये लिखा गया है कि फिल्म वाज लेटर रिलीज्ड ऑन टीवी, नेवर ऑन थिएटर। यानी कि दोस्तों यह फिल्म थिएटर में रिलीज नहीं किया गया था, यह केवल टेलीविज़न पे ही आया था। तो ये अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर 1.5 करोड़ की लागत से कोई फिल्म बने और उसको थिएटर पे ना रिलीज़ करके टेलीविज़न पे रिलीज़ की जाए, तो कितनी बड़ी बात होती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम अभी तो यह फिल्म नहीं अपलोड कर पाएंगे, लेकिन आने वाले वक्त में मैं ज़रूर चाहूँगा कि यह फिल्म मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे फ्री में अपलोड कर सकूँ। तब तक दोस्तों मिलते हैं हम किसी अगली वीडियोस में। इसीलिए दोस्तों आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में जो भी हमारी वीडियोस है उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग कस्तूरी फिल्म जो 1980 में रिलीज़ हुई थी उसको यूट्यूब पे फ्री में देखना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों बता दूं कि यह फिल्म अभी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह फिल्म अभी बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो दोस्तों जब तक बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी, तब तक यूट्यूब पे यह परमिशन नहीं मिलेगा कि इसको फ्री में अपलोड किया जा सके। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि अभी तो आपको यह फिल्म मैं नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन आने वाले वक्त में मैं ज़रूर चाहूँगा कि इस फिल्म को मैं आपको यूट्यूब पे फ्री में दिखाऊँ। तो दोस्तों अभी आप इसकी कहानियाँ मैं ज़रूर आपके साथ में साझा करने वाला हूँ, जो कहानियों के फैक्ट हैं, तो उससे आपको ज़रूर इस फिल्म के बारे में जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जो कस्तूरी फिल्म थी वह 1980 में आई एक बहुत ही अच्छी हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थी, जिसका डायरेक्टर बिमल दत्ता जी हैं। अगर दोस्तों इसमें बात करें मुख्य कलाकार के तौर पे, तो नूतन, मिथुन चक्रवर्ती, परीक्षित सैनी, सद्धू मेहर और श्रीराम लोगों जैसे कलाकार ने इसमें काम किया है।
और यह फिल्म दोस्तों जो नेशनल फिल्म अवार्ड था उसके बेस्ट फिल्म का अवार्ड दोस्तों इन्होंने जीता था, जो 1978 में हुआ था। अगर दोस्तों कुछ अन्य फैक्ट की बात करें इस फिल्म की, तो इसमें दोस्तों जो सिनेमोग्राफी का काम किया है वो के महाजन जी ने किया है, और इसके जो म्यूज़िक हैं वो बप्पी लहरी जी दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही बप्पी लहरी हैं जो 1980 से लेके अभी भी जो हमारे इस दौर में फिल्में बन रहे हैं उसमें बहुत ही बेहतरीन म्यूज़िक देते हैं दोस्तों। बप्पी लहरी का तो जादू दोस्तों आप उससे समझ सकते हैं कि जिस भी फिल्म में दोस्तों बप्पी लहरी जी म्यूज़िक देते थे, डेफिनेटली दोस्तों म्यूज़िक के दम पे वो फिल्म हिट हो जाया करती थी। अगर दोस्तों बात करें इस फिल्म की, तो यह फिल्म 1980 में रिलीज़ हुई थी। अगर हम रनिंग टाइम की बात करें तो 125 मिनट की यह फिल्म है। और अगर बात करें दोस्तों तो यह इंडिया में रिलीज़ हुआ था, क्योंकि उस समय दोस्तों जो हमारी फिल्में थी वह केवल इंडिया में ही रिलीज़ की जाती थी। आजकल के दौर में तो इतने सारे मल्टीप्लेक्स हैं इंडिया और इंडिया के बाहर की बाकी कई सारी कंट्री में एक साथ फिल्मों को रिलीज़ किया जाता है, लेकिन अगर 1980 की दौर की बात करूँ तो उस समय मूवी केवल फिल्में केवल इंडिया में ही रिलीज़ की जाती थी। इसका दोस्तों जो लैंग्वेज था वो हिंदी था, और बजट इस फिल्म का 1.5 करोड़ था। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बड़ा बजट होता है, क्योंकि उस दौर में 1980 के दौर में 1.5 करोड़ के बजट से बनाने वाली फिल्में कोई मामूली फिल्में नहीं हुआ करती थी। अगर दोस्तों हम इस फिल्म की मुख्य कलाकार की बात करें तो मिथुन चक्रवर्ती, नौतान, परीक्षित सैनी, सद्धू मेहरा, श्री राम लोगो जैसे कलाकार ने इसमें दोस्तों काम किया है। बहुत ही अच्छी फिल्म है दोस्तों। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आने वाले वक्त में मैं यह फिल्म आपके लिए साझा कर सकूँ दोस्तों। इसीलिए आपसे यह अनुरोध है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में इस फिल्म की जो जानकारी है वह आपको मिल सके। अगर दोस्तों हम इस फिल्म की कुछ अलग फैक्ट्स की बात करें दोस्तों, तो इसमें दोस्तों जो बप्पी लहरी जी थे उनको बहुत ही अच्छे अच्छे गाने मिले थे इसमें दोस्तों। उनको म्यूज़िक देने के लिए, वैसे तो वो बहुत ही बेहतरीन संगीतकार हैं जो उस दौर से लेके इस दौर तक पता नहीं कितने सारे ऐसे मूवी में उन्होंने हिट गाने दिए हैं दोस्तों। अगर दोस्तों हम बात करें इस फिल्म में, तो यह फिल्म जो है टीवी पे आज तक कभी आई नहीं है दोस्तों। माफी चाहता हूँ दोस्तों, जैसा कि मैं इस फिल्म के बारे में देख पा रहा हूँ तो इस फिल्म के बारे में ये लिखा गया है कि फिल्म वाज लेटर रिलीज्ड ऑन टीवी नेवर ऑन थिएटर, यानी कि दोस्तों यह फिल्म थिएटर में रिलीज़ नहीं किया गया था, यह केवल टेलीविज़न पे ही आया था। तो ये अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर 1.5 करोड़ की लागत से कोई फिल्म बने और उसको थिएटर पे ना रिलीज़ करके टेलीविज़न पे रिलीज़ की जाए, तो कितनी बड़ी बात होती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम अभी तो यह फिल्म नहीं अपलोड कर पाएंगे, लेकिन आने वाले वक्त में मैं ज़रूर चाहूँगा कि यह फिल्म मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे फ्री में अपलोड कर सकूँ। तब तक दोस्तों मिलते हैं हम किसी अगली वीडियोस में। इसीलिए दोस्तों आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वक्त में जो भी हमारी वीडियोस है उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग कस्तूरी फिल्म जो 1980 में रिलीज़ हुई थी उसको यूट्यूब पे फ्री में देखना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों बता दूं कि यह फिल्म अभी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे फ्री में उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह फिल्म अभी बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो दोस्तों, जब तक बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी तब तक यूट्यूब पे यह परमिशन नहीं मिलेगा कि इसको फ्री में अपलोड किया जा सके। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि अभी तो आपको यह फिल्म मैं नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन आने वाले वक्त में मैं ज़रूर चाहूँगा कि इस फिल्म को मैं आपको यूट्यूब पे फ्री में दिखाऊँ। तो दोस्तों, अभी आप इसकी कहानियाँ मैं ज़रूर आपके साथ में साझा करने वाला हूँ, जो कहानियों के फैक्ट हैं, तो उससे आपको ज़रूर इस फिल्म के बारे में जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जो कस्तूरी फिल्म थी वह 1980 में आई एक बहुत ही अच्छी हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थी जिसका डायरेक्टर बिमल दत्ता जी हैं। अगर दोस्तों इसमें बात करें मुख्य कलाकार के तौर पे तो नूतन, मिथुन चक्रवर्ती, परीक्षित सैनी, सद्दू मेहर और श्रीराम लोगों जैसे कलाकार ने इसमें काम किया है। और यह फिल्म दोस्तों जो नेशनल फिल्म अवार्ड था उसके बेस्ट फिल्म का अवार्ड दोस्तों इन्होंने जीता था, जो 1978 में हुआ था। अगर दोस्तों कुछ अन्य फैक्ट की बात करें इस फिल्म की, तो इसमें दोस्तों जो सिनेमोग्राफी का काम किया है वो के महाजन जी ने किया है और इसके जो म्यूज़िक हैं वो बप्पी लहरी जी दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही बप्पी लहरी हैं जो 1980 से लेके अभी भी जो हमारे इस दौर में फिल्में बन रहे हैं उसमें बहुत ही बेहतरीन म्यूज़िक देते हैं। दोस्तों, बप्पी लहरी का तो जादू दोस्तों आप उससे समझ सकते हैं कि जिस भी फिल्म में दोस्तों बप्पी लहरी जी म्यूज़िक देते थे डेफिनेटली दोस्तों म्यूज़िक के दम पे वो फिल्म हिट हो जाया करती थी। अगर दोस्तों बात करें इस फिल्म की, तो यह फिल्म 1980 में रिलीज़ हुई थी। अगर हम रनिंग टाइम की बात करें तो 125 मिनट की यह फिल्म है। और अगर बात करें दोस्तों तो यह इंडिया में रिलीज़ हुआ था क्योंकि उस समय दोस्तों जो हमारी फिल्में थी वह केवल इंडिया में ही रिलीज़ की जाती थी। आजकल के दौर में तो इतने सारे मल्टीप्लेक्स हैं इंडिया और इंडिया के बाहर की बाकी कई सारी कंट्री में एक साथ फिल्मों को रिलीज़ किया जाता है, लेकिन अगर 1980 की दौर की बात करूँ तो उस समय मूवी केवल फिल्में केवल इंडिया में ही रिलीज़ की जाती थी। इसका दोस्तों जो लैंग्वेज था वो हिंदी था और बजट इस फिल्म का 1.5 करोड़ था। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बड़ा बजट होता है क्योंकि उस दौर में 1980 के दौर में 1.5 करोड़ के बजट से बनाने वाली फिल्में कोई मामूली फिल्में नहीं हुआ करती थी। अगर दोस्तों हम इस फिल्म की मुख्य कलाकार की बात करें तो मिथुन चक्रवर्ती, नौतान, परीक्षित सैनी, सद्धू मेहरा, श्री राम लोगो जैसे कलाकार ने इसमें दोस्तों काम किया है। बहुत ही अच्छी फिल्म है दोस्तों। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आने वाले वक्त में मैं यह फिल्म आपके लिए साझा कर सकूँ दोस्तों, इसीलिए आपसे यह अनुरोध है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।
और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वक्त में इस फिल्म की जो जानकारी है वह आपको मिल सके। अगर दोस्तों हम इस फिल्म की कुछ अलग फैक्ट्स की बात करें दोस्तों, तो इसमें दोस्तों जो बप्पी लहरी जी थे उनको बहुत ही अच्छे अच्छे गाने मिले थे इसमें दोस्तों। उनको म्यूज़िक देने के लिए, वैसे तो वो बहुत ही बेहतरीन संगीतकार हैं जो उस दौर से लेके इस दौर तक पता नहीं कितने सारे ऐसे मूवी में उन्होंने हिट गाने दिए हैं दोस्तों। अगर दोस्तों हम बात करें इस फिल्म में, तो यह फिल्म जो है टीवी पे आज तक कभी आई नहीं है दोस्तों। माफी चाहता हूँ दोस्तों, जैसा कि मैं इस फिल्म के बारे में देख पा रहा हूँ, तो इस फिल्म के बारे में ये लिखा गया है कि फिल्म वाज लेटर रिलीज्ड ऑन टीवी नेवर ऑन थिएटर, यानी कि दोस्तों यह फिल्म थिएटर में रिलीज नहीं किया गया था, यह केवल टेलीविज़न पे ही आया था। तो ये अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर 1.5 करोड़ की लागत से कोई फिल्म बने और उसको थिएटर पे ना रिलीज़ करके टेलीविज़न पे रिलीज़ की जाए, तो कितनी बड़ी बात होती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम अभी तो यह फिल्म नहीं अपलोड कर पाएंगे, लेकिन आने वाले वक्त में मैं ज़रूर चाहूँगा कि यह फिल्म मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे फ्री में अपलोड कर सकूँ। तब तक दोस्तों मिलते हैं हम किसी अगली वीडियोस में, इसीलिए दोस्तों आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वक्त में जो भी हमारी वीडियोस है उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग कस्तूरी फिल्म जो 1980 में रिलीज़ हुई थी उसको यूट्यूब पे फ्री में देखना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों बता दूं कि यह फिल्म अभी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह फिल्म अभी बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो दोस्तों जब तक बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी, तब तक यूट्यूब पे यह परमिशन नहीं मिलेगा कि इसको फ्री में अपलोड किया जा सके। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि अभी तो आपको यह फिल्म मैं नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन आने वाले वक्त में मैं ज़रूर चाहूँगा कि इस फिल्म को मैं आपको यूट्यूब पे फ्री में दिखाऊँ। तो दोस्तों अभी आप इसकी कहानियाँ मैं ज़रूर आपके साथ में साझा करने वाला हूँ, जो कहानियों के फैक्ट हैं, तो उससे आपको ज़रूर इस फिल्म के बारे में जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जो कस्तूरी फिल्म थी वह 1980 में आई एक बहुत ही अच्छी हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थी, जिसका डायरेक्टर बिमल दत्ता जी हैं। अगर दोस्तों इसमें बात करें मुख्य कलाकार के तौर पे, तो नूतन, मिथुन चक्रवर्ती, परीक्षित सैनी, सद्दू मेहर और श्रीराम लोगों जैसे कलाकार ने इसमें काम किया है। और यह फिल्म दोस्तों जो नेशनल फिल्म अवार्ड था उसके बेस्ट फिल्म का अवार्ड दोस्तों इन्होंने जीता था, जो 1978 में हुआ था। अगर दोस्तों कुछ अन्य फैक्ट की बात करें इस फिल्म की, तो इसमें दोस्तों जो सिनेमोग्राफी का काम किया है वो के महाजन जी ने किया है, और इसके जो म्यूज़िक हैं वो बप्पी लहरी जी दिए हैं।
जी हाँ दोस्तों, ये वही बप्पी लहरी हैं जो 1980 से लेके अभी भी जो हमारे इस दौर में फिल्में बन रहे हैं उसमें बहुत ही बेहतरीन म्यूज़िक देते हैं दोस्तों। बप्पी लहरी का तो जादू दोस्तों आप उससे समझ सकते हैं कि जिस भी फिल्म में दोस्तों बप्पी लहरी जी म्यूज़िक देते थे, डेफिनेटली दोस्तों म्यूज़िक के दम पे वो फिल्म हिट हो जाया करती थी। अगर दोस्तों बात करें इस फिल्म की, तो यह फिल्म 1980 में रिलीज़ हुई थी। अगर हम रनिंग टाइम की बात करें तो 125 मिनट की यह फिल्म है। और अगर बात करें दोस्तों तो यह इंडिया में रिलीज़ हुआ था, क्योंकि उस समय दोस्तों जो हमारी फिल्में थी वह केवल इंडिया में ही रिलीज़ की जाती थी। आजकल के दौर में तो इतने सारे मल्टीप्लेक्स हैं इंडिया और इंडिया के बाहर की बाकी कई सारी कंट्री में एक साथ फिल्मों को रिलीज़ किया जाता है, लेकिन अगर 1980 की दौर की बात करूँ तो उस समय मूवी केवल फिल्में केवल इंडिया में ही रिलीज़ की जाती थी। इसका दोस्तों जो लैंग्वेज था वो हिंदी था और बजट इस फिल्म का 1.5 करोड़ था। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बड़ा बजट होता है, क्योंकि उस दौर में 1980 के दौर में 1.5 करोड़ के बजट से बनाने वाली फिल्में कोई मामूली फिल्में नहीं हुआ करती थी। अगर दोस्तों हम इस फिल्म की मुख्य कलाकार की बात करें तो मिथुन चक्रवर्ती, नौतान, परीक्षित सैनी, सद्धू मेहरा, श्री राम लोगो जैसे कलाकार ने इसमें दोस्तों काम किया है। बहुत ही अच्छी फिल्म है दोस्तों। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आने वाले वक्त में मैं यह फिल्म आपके लिए साझा कर सकूँ दोस्तों। इसीलिए आपसे यह अनुरोध है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में इस फिल्म की जो जानकारी है वह आपको मिल सके। अगर दोस्तों हम इस फिल्म की कुछ अलग फैक्ट्स की बात करें दोस्तों, तो इसमें दोस्तों जो बप्पी लहरी जी थे उनको बहुत ही अच्छे अच्छे गाने मिले थे। इसमें दोस्तों उनको म्यूज़िक देने के लिए, वैसे तो वो बहुत ही बेहतरीन संगीतकार हैं जो उस दौर से लेके इस दौर तक पता नहीं कितने सारे ऐसे मूवी में उन्होंने हिट गाने दिए हैं दोस्तों। अगर दोस्तों हम बात करें इस फिल्म में, तो यह फिल्म जो है टीवी पे आज तक कभी आई नहीं है दोस्तों। माफी चाहता हूँ दोस्तों, जैसा कि मैं इस फिल्म के बारे में देख पा रहा हूँ तो इस फिल्म के बारे में ये लिखा गया है कि फिल्म वाज लेटर रिलीज्ड ऑन टीवी नेवर ऑन थिएटर, यानी कि दोस्तों यह फिल्म थिएटर में रिलीज़ नहीं किया गया था, यह केवल टेलीविज़न पे ही आया था। तो ये अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर 1.5 करोड़ की लागत से कोई फिल्म बने और उसको थिएटर पे ना रिलीज़ करके टेलीविज़न पे रिलीज़ की जाए तो कितनी बड़ी बात होती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम अभी तो यह फिल्म नहीं अपलोड कर पाएंगे, लेकिन आने वाले वक्त में मैं ज़रूर चाहूँगा कि यह फिल्म मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे फ्री में अपलोड कर सकूँ। तब तक दोस्तों मिलते हैं हम किसी अगली वीडियोस में। इसीलिए दोस्तों आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में जो भी हमारी वीडियोज़ है उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके।
दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग कस्तूरी फिल्म जो 1980 में रिलीज़ हुई थी उसको यूट्यूब पे फ्री में देखना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों बता दूं कि यह फिल्म अभी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह फिल्म अभी बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो दोस्तों, जब तक बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी तब तक यूट्यूब पे यह परमिशन नहीं मिलेगा कि इसको फ्री में अपलोड किया जा सके। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि अभी तो आपको यह फिल्म मैं नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन आने वाले वक्त में मैं ज़रूर चाहूँगा कि इस फिल्म को मैं आपको यूट्यूब पे फ्री में दिखाऊँ। तो दोस्तों, अभी आप इसकी कहानियाँ मैं ज़रूर आपके साथ में साझा करने वाला हूँ, जो कहानियों के फैक्ट हैं, तो उससे आपको ज़रूर इस फिल्म के बारे में जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जो कस्तूरी फिल्म थी वह 1980 में आई एक बहुत ही अच्छी हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थी, जिसका डायरेक्टर बिमल दत्ता जी हैं। अगर दोस्तों इसमें बात करें मुख्य कलाकार के तौर पे, तो नूतन, मिथुन चक्रवर्ती, परीक्षित सैनी, सद्दू मेहर और श्रीराम लोगों जैसे कलाकार ने इसमें काम किया है। और यह फिल्म दोस्तों जो नेशनल फिल्म अवार्ड था उसके बेस्ट फिल्म का अवार्ड दोस्तों इन्होंने जीता था, जो 1978 में हुआ था। अगर दोस्तों कुछ अन्य फैक्ट की बात करें इस फिल्म की, तो इसमें दोस्तों जो सिनेमोग्राफी का काम किया है वो के महाजन जी ने किया है, और इसके जो म्यूज़िक हैं वो बप्पी लहरी जी दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही बप्पी लहरी हैं जो 1980 से लेके अभी भी जो हमारे इस दौर में फिल्में बन रहे हैं उसमें बहुत ही बेहतरीन म्यूज़िक देते हैं। दोस्तों, बप्पी लहरी का तो जादू दोस्तों आप उससे समझ सकते हैं कि जिस भी फिल्म में दोस्तों बप्पी लहरी जी म्यूज़िक देते थे, डेफिनेटली दोस्तों म्यूज़िक के दम पे वो फिल्म हिट हो जाया करती थी। अगर दोस्तों बात करें इस फिल्म की, तो यह फिल्म 1980 में रिलीज़ हुई थी। अगर हम रनिंग टाइम की बात करें तो 125 मिनट की यह फिल्म है। और अगर बात करें दोस्तों तो यह इंडिया में रिलीज़ हुआ था, क्योंकि उस समय दोस्तों जो हमारी फिल्में थी वह केवल इंडिया में ही रिलीज़ की जाती थी। आजकल के दौर में तो इतने सारे मल्टीप्लेक्स हैं इंडिया और इंडिया के बाहर की बाकी कई सारी कंट्री में एक साथ फिल्मों को रिलीज़ किया जाता है, लेकिन अगर 1980 की दौर की बात करूँ तो उस समय मूवी केवल फिल्में केवल इंडिया में ही रिलीज़ की जाती थी। इसका दोस्तों जो लैंग्वेज था वो हिंदी था, और बजट इस फिल्म का 1.5 करोड़ था। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बड़ा बजट होता है, क्योंकि उस दौर में 1980 के दौर में 1.5 करोड़ के बजट से बनाने वाली फिल्में कोई मामूली फिल्में नहीं हुआ करती थी। अगर दोस्तों हम इस फिल्म की मुख्य कलाकार की बात करें, तो मिथुन चक्रवर्ती, नौतान, परीक्षित सैनी, सद्धू मेहरा, श्री राम लोगो जैसे कलाकार ने इसमें दोस्तों काम किया है। बहुत ही अच्छी फिल्म है दोस्तों, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आने वाले वक्त में मैं यह फिल्म आपके लिए साझा कर सकूँ दोस्तों। इसीलिए आपसे यह अनुरोध है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में इस फिल्म की जो जानकारी है वह आपको मिल सके। अगर दोस्तों हम इस फिल्म की कुछ अलग फैक्ट्स की बात करें दोस्तों, तो इसमें दोस्तों जो
बप्पी लहरी दी थे, उनको बहुत ही अच्छे अच्छे गाने मिले थे इसमें दोस्तों। उनको म्यूज़िक देने के लिए, वैसे तो वो बहुत ही बेहतरीन संगीतकार हैं, जो उस दौर से लेके इस दौर तक पता नहीं कितने सारे ऐसे मूवी में उन्होंने हिट गाने दिए हैं दोस्तों। अगर दोस्तों हम बात करें इस फिल्म में, तो यह फिल्म जो है टीवी पे आज तक कभी आई नहीं है दोस्तों। माफी चाहता हूँ दोस्तों, जैसा कि मैं इस फिल्म के बारे में देख पा रहा हूँ, तो इस फिल्म के बारे में ये लिखा गया है कि फिल्म वाज लेटर रिलीज्ड ऑन टीवी, नेवर ऑन थिएटर। यानी कि दोस्तों यह फिल्म थिएटर में रिलीज नहीं किया गया था, यह केवल टेलीविज़न पे ही आया था। तो ये अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर 1.5 करोड़ की लागत से कोई फिल्म बने और उसको थिएटर पे ना रिलीज़ करके टेलीविज़न पे रिलीज़ की जाए, तो कितनी बड़ी बात होती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम अभी तो यह फिल्म नहीं अपलोड कर पाएंगे, लेकिन आने वाले वक्त में मैं ज़रूर चाहूँगा कि यह फिल्म मैं आप लोगों के लिए YouTube पे फ्री में अपलोड कर सकूँ। तब तक दोस्तों मिलते हैं हम किसी अगली वीडियोस में, इसीलिए दोस्तों आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में जो भी हमारी वीडियोस है उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग कस्तूरी फिल्म, जो 1980 में रिलीज़ हुई थी, उसको YouTube पे फ्री में देखना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों बता दूं कि यह फिल्म अभी YouTube के प्लेटफॉर्म पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह फिल्म अभी बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो दोस्तों जब तक बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी, तब तक YouTube पे यह परमिशन नहीं मिलेगा कि इसको फ्री में अपलोड किया जा सके। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि अभी तो आपको यह फिल्म मैं नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन आने वाले वक्त में मैं ज़रूर चाहूँगा कि इस फिल्म को मैं आपको YouTube पे फ्री में दिखाऊँ। तो दोस्तों अभी आप इसकी कहानियाँ मैं ज़रूर आपके साथ में साझा करने वाला हूँ, जो कहानियों के फैक्ट हैं, तो उससे आपको ज़रूर इस फिल्म के बारे में जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जो कस्तूरी फिल्म थी, वह 1980 में आई एक बहुत ही अच्छी हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थी, जिसका डायरेक्टर बिमल दत्ता जी हैं। अगर दोस्तों इसमें बात करें मुख्य कलाकार के तौर पे, तो नूतन, मिथुन चक्रवर्ती, परीक्षित सैनी, सद्दू मेहर और श्रीराम लोगो जैसे कलाकार ने इसमें काम किया है। और यह फिल्म दोस्तों जो नेशनल फिल्म अवार्ड था, उसके बेस्ट फिल्म का अवार्ड दोस्तों इन्होंने जीता था, जो 1978 में हुआ था। अगर दोस्तों कुछ अन्य फैक्ट की बात करें इस फिल्म की, तो इसमें दोस्तों जो सिनेमोग्राफी का काम किया है वो के महाजन जी ने किया है, और इसके जो म्यूज़िक हैं वो बप्पी लहरी जी दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही बप्पी लहरी हैं जो 1980 से लेके अभी भी जो हमारे इस दौर में फिल्में बन रहे हैं, उसमें बहुत ही बेहतरीन
म्यूज़िक देते हैं दोस्तों। बप्पी लहरी का तो जादू दोस्तों आप उससे समझ सकते हैं कि जिस भी फिल्म में दोस्तों बप्पी लहरी जी म्यूज़िक देते थे, डेफिनेटली दोस्तों म्यूज़िक के दम पे वो फिल्म हिट हो जाया करती थी। अगर दोस्तों बात करें इस फिल्म की, तो यह फिल्म 1980 में रिलीज़ हुई थी। अगर हम रनिंग टाइम की बात करें तो 125 मिनट की यह फिल्म है। और अगर बात करें दोस्तों तो यह इंडिया में रिलीज़ हुआ था, क्योंकि उस समय दोस्तों जो हमारी फिल्में थी वह केवल इंडिया में ही रिलीज़ की जाती थी। आजकल के दौर में तो इतने सारे मल्टीप्लेक्स हैं इंडिया और इंडिया के बाहर की बाकी कई सारी कंट्री में एक साथ फिल्मों को रिलीज़ किया जाता है, लेकिन अगर 1980 की दौर की बात करूँ तो उस समय मूवी केवल फिल्में केवल इंडिया में ही रिलीज़ की जाती थी। इसका दोस्तों जो लैंग्वेज था वो हिंदी था, और बजट इस फिल्म का 1.5 करोड़ था। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बड़ा बजट होता है, क्योंकि उस दौर में 1980 के दौर में 1.5 करोड़ के बजट से बनाने वाली फिल्में कोई मामूली फिल्में नहीं हुआ करती थी। अगर दोस्तों हम इस फिल्म की मुख्य कलाकार की बात करें तो मिथुन चक्रवर्ती, नौतान, परीक्षित सैनी, सद्धू मेहरा, श्री राम लोगो जैसे कलाकार ने इसमें दोस्तों काम किया है। बहुत ही अच्छी फिल्म है दोस्तों। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आने वाले वक्त में मैं यह फिल्म आपके लिए साझा कर सकूँ दोस्तों। इसीलिए आपसे यह अनुरोध है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में इस फिल्म की जो जानकारी है वह आपको मिल सके। अगर दोस्तों हम इस फिल्म की कुछ अलग फैक्ट्स की बात करें दोस्तों, तो इसमें दोस्तों जो बप्पी लहरी जी थे उनको बहुत ही अच्छे अच्छे गाने मिले थे। इसमें दोस्तों उनको म्यूज़िक देने के लिए, वैसे तो वो बहुत ही बेहतरीन संगीतकार हैं, जो उस दौर से लेके इस दौर तक पता नहीं कितने सारे ऐसे मूवी में उन्होंने हिट गाने दिए हैं दोस्तों। अगर दोस्तों हम बात करें इस फिल्म में, तो यह फिल्म जो है टीवी पे आज तक कभी आई नहीं है दोस्तों। माफी चाहता हूँ दोस्तों, जैसा कि मैं इस फिल्म के बारे में देख पा रहा हूँ तो इस फिल्म के बारे में ये लिखा गया है कि फिल्म वाज लेटर रिलीज्ड ऑन टीवी नेवर ऑन थिएटर, यानी कि दोस्तों यह फिल्म थिएटर में रिलीज़ नहीं किया गया था, यह केवल टेलीविज़न पे ही आया था। तो ये अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर 1.5 करोड़ की लागत से कोई फिल्म बने और उसको थिएटर पे ना रिलीज़ करके टेलीविज़न पे रिलीज़ की जाए तो कितनी बड़ी बात होती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम अभी तो यह फिल्म नहीं अपलोड कर पाएंगे, लेकिन आने वाले वक्त में मैं ज़रूर चाहूँगा कि यह फिल्म मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे फ्री में अपलोड कर सकूँ। तब तक दोस्तों मिलते हैं हम किसी अगली वीडियोस में। इसीलिए दोस्तों आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में जो भी हमारी वीडियोज़ है उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग कस्तूरी फिल्म जो 1980 में रिलीज़ हुई थी उसको यूट्यूब पे फ्री में देखना चाहते हैं,
लेकिन दोस्तों बता दूं कि यह फिल्म अभी YouTube के प्लेटफॉर्म पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह फिल्म अभी बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो दोस्तों जब तक बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी तब तक YouTube पे यह परमिशन नहीं मिलेगा कि इसको फ्री में अपलोड किया जा सके। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि अभी तो आपको यह फिल्म मैं नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन आने वाले वक्त में मैं ज़रूर चाहूँगा कि इस फिल्म को मैं आपको YouTube पे फ्री में दिखाऊँ। तो दोस्तों अभी आप इसकी कहानियाँ मैं ज़रूर आपके साथ में साझा करने वाला हूँ, जो कहानियों के फैक्ट हैं, तो उससे आपको ज़रूर इस फिल्म के बारे में जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जो कस्तूरी फिल्म थी वह 1980 में आई एक बहुत ही अच्छी हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थी, जिसका डायरेक्टर बिमल दत्ता जी हैं। अगर दोस्तों इसमें बात करें मुख्य कलाकार के तौर पे तो नूतन, मिथुन चक्रवर्ती, परीक्षित सैनी, सद्दू मेहर और श्रीराम लोगों जैसे कलाकार ने इसमें काम किया है। और यह फिल्म दोस्तों जो नेशनल फिल्म अवार्ड था उसके बेस्ट फिल्म का अवार्ड दोस्तों इन्होंने जीता था, जो 1978 में हुआ था। अगर दोस्तों कुछ अन्य फैक्ट की बात करें इस फिल्म की, तो इसमें दोस्तों जो सिनेमोग्राफी का काम किया है वो के महाजन जी ने किया है, और इसके जो म्यूज़िक हैं वो बप्पी लहरी जी दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही बप्पी लहरी हैं जो 1980 से लेके अभी भी जो हमारे इस दौर में फिल्में बन रहे हैं उसमें बहुत ही बेहतरीन म्यूज़िक देते हैं। दोस्तों बप्पी लहरी का तो जादू दोस्तों आप उससे समझ सकते हैं कि जिस भी फिल्म में दोस्तों बप्पी लहरी जी म्यूज़िक देते थे, डेफिनेटली दोस्तों म्यूज़िक के दम पे वो फिल्म हिट हो जाया करती थी। अगर दोस्तों बात करें इस फिल्म की, तो यह फिल्म 1980 में रिलीज़ हुई थी। अगर हम रनिंग टाइम की बात करें तो 125 मिनट की यह फिल्म है। और अगर बात करें दोस्तों तो यह इंडिया में रिलीज़ हुआ था, क्योंकि उस समय दोस्तों जो हमारी फिल्में थी वह केवल इंडिया में ही रिलीज़ की जाती थी। आजकल के दौर में तो इतने सारे मल्टीप्लेक्स हैं इंडिया और इंडिया के बाहर की बाकी कई सारी कंट्री में एक साथ फिल्मों को रिलीज़ किया जाता है, लेकिन अगर 1980 की दौर की बात करूँ तो उस समय मूवी केवल फिल्में केवल इंडिया में ही रिलीज़ की जाती थी। इसका दोस्तों जो लैंग्वेज था वो हिंदी था, और बजट इस फिल्म का 1.5 करोड़ था। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बड़ा बजट होता है, क्योंकि उस दौर में 1980 के दौर में 1.5 करोड़ के बजट से बनाने वाली फिल्में कोई मामूली फिल्में नहीं हुआ करती थी। अगर दोस्तों हम इस फिल्म की मुख्य कलाकार की बात करें तो मिथुन चक्रवर्ती, नौतान, परीक्षित सैनी, सद्धू मेहरा, श्री राम लोगो जैसे कलाकार ने इसमें दोस्तों काम किया है। बहुत ही अच्छी फिल्म है दोस्तों। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आने वाले वक्त में मैं यह फिल्म आपके लिए साझा कर सकूँ दोस्तों, इसीलिए आपसे यह अनुरोध है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में इस फिल्म की जो जानकारी है वह आपको मिल सके। अगर दोस्तों हम इस फिल्म की कुछ अलग फैक्ट्स की बात करें दोस्तों, तो इसमें दोस्तों जो बप्पी लहरी जी थे उनको बहुत ही अच्छे अच्छे गाने मिले थे इसमें दोस्तों। उनको म्यूज़िक देने के लिए, वैसे तो वो बहुत ही बेहतरीन संगीतकार हैं, जो उस दौर से लेके इस दौर तक पता नहीं कितने सारे ऐसे मूवी में उन्होंने हिट गाने दिए हैं दोस्तों।
अगर दोस्तों हम बात करें इस फिल्म में, तो यह फिल्म जो है टीवी पे आज तक कभी आई नहीं है दोस्तों। माफी चाहता हूँ दोस्तों, जैसा कि मैं इस फिल्म के बारे में देख पा रहा हूँ, तो इस फिल्म के बारे में ये लिखा गया है कि फिल्म वाज लेटर रिलीज्ड ऑन टीवी नेवर ऑन थिएटर, यानी कि दोस्तों यह फिल्म थिएटर में रिलीज़ नहीं किया गया था, यह केवल टेलीविज़न पे ही आया था। तो ये अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर 1.5 करोड़ की लागत से कोई फिल्म बने और उसको थिएटर पे ना रिलीज़ करके टेलीविज़न पे रिलीज़ की जाए, तो कितनी बड़ी बात होती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम अभी तो यह फिल्म नहीं अपलोड कर पाएंगे, लेकिन आने वाले वक्त में मैं ज़रूर चाहूँगा कि यह फिल्म मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे फ्री में अपलोड कर सकूँ। तब तक दोस्तों मिलते हैं हम किसी अगली वीडियोस में, इसीलिए दोस्तों आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में जो भी हमारी वीडियोज़ है उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग कस्तूरी फिल्म जो 1980 में रिलीज़ हुई थी उसको यूट्यूब पे फ्री में देखना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों बता दूं कि यह फिल्म अभी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह फिल्म अभी बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो दोस्तों जब तक बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी, तब तक यूट्यूब पे यह परमिशन नहीं मिलेगा कि इसको फ्री में अपलोड किया जा सके। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि अभी तो आपको यह फिल्म मैं नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन आने वाले वक्त में मैं ज़रूर चाहूँगा कि इस फिल्म को मैं आपको यूट्यूब पे फ्री में दिखाऊँ। तो दोस्तों अभी आप इसकी कहानियाँ मैं ज़रूर आपके साथ में साझा करने वाला हूँ, जो कहानियों के फैक्ट हैं, तो उससे आपको ज़रूर इस फिल्म के बारे में जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जो कस्तूरी फिल्म थी वह 1980 में आई एक बहुत ही अच्छी हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थी, जिसका डायरेक्टर बिमल दत्ता जी हैं। अगर दोस्तों इसमें बात करें मुख्य कलाकार के तौर पे, तो नूतन, मिथुन चक्रवर्ती, परीक्षित सैनी, सद्दू मेहर और श्रीराम लोबो जैसे कलाकार ने इसमें काम किया है। और यह फिल्म दोस्तों जो नेशनल फिल्म अवार्ड था उसके बेस्ट फिल्म का अवार्ड दोस्तों इन्होंने जीता था, जो 1978 में हुआ था। अगर दोस्तों कुछ अन्य फैक्ट की बात करें इस फिल्म की, तो इसमें दोस्तों जो सिनेमोग्राफी का काम किया है वो के महाजन जी ने किया है, और इसके जो म्यूज़िक हैं वो बप्पी लहरी जी दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही बप्पी लहरी हैं जो 1980 से लेके अभी भी जो हमारे इस दौर में फिल्में बन रहे हैं उसमें बहुत ही बेहतरीन म्यूज़िक देते हैं दोस्तों। बप्पी लहरी का तो जादू दोस्तों आप उससे समझ सकते हैं कि जिस भी फिल्म में दोस्तों बप्पी लहरी जी म्यूज़िक देते थे, डेफिनेटली दोस्तों म्यूज़िक के दम पे वो फिल्म हिट हो जाया करती थी। अगर दोस्तों बात करें इस फिल्म की, तो यह फिल्म 1980 में रिलीज़ हुई थी। अगर हम रनिंग टाइम की बात करें तो 125 मिनट की यह फिल्म है, और अगर
बात करें दोस्तों तो यह इंडिया में रिलीज़ हुआ था, क्योंकि उस समय दोस्तों जो हमारी फिल्में थी वह केवल इंडिया में ही रिलीज़ की जाती थी। आजकल के दौर में तो इतने सारे मल्टीप्लेक्स हैं इंडिया और इंडिया के बाहर की बाकी कई सारी कंट्री में एक साथ फिल्मों को रिलीज़ किया जाता है। लेकिन अगर 1980 की दौर की बात करूँ तो उस समय मूवी केवल फिल्में केवल इंडिया में ही रिलीज़ की जाती थी। इसका दोस्तों जो लैंग्वेज था वो हिंदी था और बजट इस फिल्म का 1.5 करोड़ था। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बड़ा बजट होता है, क्योंकि उस दौर में 1980 के दौर में 1.5 करोड़ के बजट से बनाने वाली फिल्में कोई मामूली फिल्में नहीं हुआ करती थी। अगर दोस्तों हम इस फिल्म की मुख्य कलाकार की बात करें तो मिथुन चक्रवर्ती, नौतान, परीक्षित सैनी, सद्धू मेहरा, श्री राम लोगो जैसे कलाकार ने इसमें दोस्तों काम किया है। बहुत ही अच्छी फिल्म है दोस्तों। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आने वाले वक्त में मैं यह फिल्म आपके लिए साझा कर सकूँ दोस्तों। इसीलिए आपसे यह अनुरोध है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में इस फिल्म की जो जानकारी है वह आपको मिल सके। अगर दोस्तों हम इस फिल्म की कुछ अलग फैक्ट्स की बात करें दोस्तों, तो इसमें दोस्तों जो बप्पी लहरी दी थे उनको बहुत ही अच्छे अच्छे गाने मिले थे। इसमें दोस्तों उनको म्यूज़िक देने के लिए, वैसे तो वो बहुत ही बेहतरीन संगीतकार हैं, जो उस दौर से लेके इस दौर तक पता नहीं कितने सारे ऐसे मूवी में उन्होंने हिट गाने दिए हैं दोस्तों। अगर दोस्तों हम बात करें इस फिल्म में, तो यह फिल्म जो है टीवी पे आज तक कभी आई नहीं है दोस्तों। माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, जैसा कि मैं इस फिल्म के बारे में देख पा रहा हूँ तो इस फिल्म के बारे में ये लिखा गया है कि फिल्म वाज लेटर रिलीज्ड ऑन टीवी नेवर ऑन थिएटर। यानी कि दोस्तों यह फिल्म थिएटर में रिलीज़ नहीं किया गया था, यह केवल टेलीविज़न पे ही आया था। तो ये अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर 1.5 करोड़ की लागत से कोई फिल्म बने और उसको थिएटर पे ना रिलीज़ करके टेलीविज़न पे रिलीज़ की जाए तो कितनी बड़ी बात होती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम अभी तो यह फिल्म नहीं अपलोड कर पाएंगे, लेकिन आने वाले वक्त में मैं ज़रूर चाहूँगा कि यह फिल्म मैं आप लोगों के लिए YouTube पे फ्री में अपलोड कर सकूँ। तब तक दोस्तों मिलते हैं हम किसी अगली वीडियोस में। इसीलिए दोस्तों आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में जो भी हमारी वीडियोस है उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग कस्तूरी फिल्म जो 1980 में रिलीज़ हुई थी उसको YouTube पे फ्री में देखना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों बता दूं कि यह फिल्म अभी YouTube के प्लेटफॉर्म्स पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह फिल्म अभी बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो दोस्तों जब तक बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी तब तक YouTube पे यह परमिशन नहीं मिलेगा कि इसको फ्री में अपलोड किया जा सके। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि अभी तो आपको यह फिल्म में नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन आने वाले वक्त में मैं ज़रूर चाहूंगा कि इस फिल्म को मैं आपको YouTube पे फ्री में दिखाऊं।
तो दोस्तों अभी आप इसकी कहानियाँ मैं ज़रूर आपके साथ में साझा करने वाला हूँ, जो कहानियों के फैक्ट हैं, तो उससे आपको ज़रूर इस फिल्म के बारे में जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जो कस्तूरी फिल्म थी वह 1980 में आई एक बहुत ही अच्छी हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थी, जिसका डायरेक्टर बिमल दत्ता जी हैं। अगर दोस्तों इसमें बात करें मुख्य कलाकार के तौर पे, तो नूतन, मिथुन चक्रवर्ती, परीक्षित सैनी, सद्दू मेहर और श्रीराम लोगो जैसे कलाकार ने इसमें काम किया है। और यह फिल्म दोस्तों जो नेशनल फिल्म अवार्ड था उसके बेस्ट फिल्म का अवार्ड दोस्तों इन्होंने जीता था, जो 1978 में हुआ था। अगर दोस्तों कुछ अन्य फैक्ट की बात करें इस फिल्म की, तो इसमें दोस्तों जो सिनेमोग्राफी का काम किया है वो के महाजन जी ने किया है, और इसके जो म्यूज़िक हैं वो बप्पी लहरी जी दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही बप्पी लहरी हैं जो 1980 से लेके अभी भी जो हमारे इस दौर में फिल्में बन रहे हैं उसमें बहुत ही बेहतरीन म्यूज़िक देते हैं दोस्तों। बप्पी लहरी का तो जादू दोस्तों आप उससे समझ सकते हैं कि जिस भी फिल्म में दोस्तों बप्पी लहरी जी म्यूज़िक देते थे, डेफिनेटली दोस्तों म्यूज़िक के दम पे वो फिल्म हिट हो जाया करती थी। अगर दोस्तों बात करें इस फिल्म की, तो यह फिल्म 1980 में रिलीज़ हुई थी। अगर हम रनिंग टाइम की बात करें तो 125 मिनट की यह फिल्म है। और अगर बात करें दोस्तों तो यह इंडिया में रिलीज़ हुआ था, क्योंकि उस समय दोस्तों जो हमारी फिल्में थी वह केवल इंडिया में ही रिलीज़ की जाती थी। आजकल के दौर में तो इतने सारे मल्टीप्लेक्स हैं इंडिया और इंडिया के बाहर की बाकी कई सारी कंट्री में एक साथ फिल्मों को रिलीज़ किया जाता है, लेकिन अगर 1980 की दौर की बात करूँ तो उस समय मूवी केवल फिल्में केवल इंडिया में ही रिलीज़ की जाती थी। इसका दोस्तों जो लैंग्वेज था वो हिंदी था, और बजट इस फिल्म का 1.5 करोड़ था। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बड़ा बजट होता है, क्योंकि उस दौर में 1980 के दौर में 1.5 करोड़ के बजट से बनाने वाली फिल्में कोई मामूली फिल्में नहीं हुआ करती थी। अगर दोस्तों हम इस फिल्म की मुख्य कलाकार की बात करें, तो मिथुन चक्रवर्ती, नौतान, परीक्षित सैनी, सद्धू मेहरा, श्री राम लोगो जैसे कलाकार ने इसमें दोस्तों काम किया है। बहुत ही अच्छी फिल्म है दोस्तों। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आने वाले वक्त में मैं यह फिल्म आपके लिए साझा कर सकूँ दोस्तों, इसीलिए आपसे यह अनुरोध है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में इस फिल्म की जो जानकारी है वह आपको मिल सके। अगर दोस्तों हम इस फिल्म की कुछ अलग फैक्ट्स की बात करें दोस्तों, तो इसमें दोस्तों जो बप्पी लहरी जी थे उनको बहुत ही अच्छे अच्छे गाने मिले थे इसमें दोस्तों। उनको म्यूज़िक देने के लिए, वैसे तो वो बहुत ही बेहतरीन संगीतकार हैं जो उस दौर से लेके इस दौर तक पता नहीं कितने सारे ऐसे मूवी में उन्होंने हिट गाने दिए हैं दोस्तों। अगर दोस्तों हम बात करें इस फिल्म में, तो यह फिल्म जो है टीवी पे आज तक कभी आई नहीं है दोस्तों। माफी चाहता हूँ दोस्तों, जैसा कि मैं इस फिल्म के बारे में देख पा रहा हूँ, तो इस फिल्म के बारे में ये लिखा गया है कि फिल्म वाज लेटर रिलीज्ड ऑन टीवी नेवर ऑन थिएटर, यानी कि दोस्तों यह फिल्म थिएटर में रिलीज़ नहीं किया गया था, यह केवल टेलीविज़न पे ही आया था। तो
ये अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर 1.5 करोड़ की लागत से कोई फिल्म बने और उसको थिएटर पे ना रिलीज़ करके टेलीविज़न पे रिलीज़ की जाए तो कितनी बड़ी बात होती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम अभी तो यह फिल्म नहीं अपलोड कर पाएंगे, लेकिन आने वाले वक्त में मैं ज़रूर चाहूँगा कि यह फिल्म मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे फ्री में अपलोड कर सकूँ। तब तक दोस्तों, मिलते हैं हम किसी अगली वीडियोस में। इसीलिए दोस्तों, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में जो भी हमारी वीडियोस है उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग कस्तूरी फिल्म जो 1980 में रिलीज़ हुई थी उसको यूट्यूब पे फ्री में देखना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों बता दूं कि यह फिल्म अभी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह फिल्म अभी बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो दोस्तों, जब तक बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी तब तक यूट्यूब पे यह परमिशन नहीं मिलेगा कि इसको फ्री में अपलोड किया जा सके। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि अभी तो आपको यह फिल्म मैं नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन आने वाले वक्त में मैं ज़रूर चाहूँगा कि इस फिल्म को मैं आपको यूट्यूब पे फ्री में दिखाऊँ। तो दोस्तों, अभी आप इसकी कहानियाँ मैं ज़रूर आपके साथ में साझा करने वाला हूँ, जो कहानियों के फैक्ट हैं, तो उससे आपको ज़रूर इस फिल्म के बारे में जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जो कस्तूरी फिल्म थी वह 1980 में आई एक बहुत ही अच्छी हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थी, जिसका डायरेक्टर बिमल दत्ता जी हैं। अगर दोस्तों इसमें बात करें मुख्य कलाकार के तौर पे, तो नूतन, मिथुन चक्रवर्ती, परीक्षित सैनी, सद्दू मेहर और श्रीराम लोगों जैसे कलाकार ने इसमें काम किया है। और यह फिल्म दोस्तों जो नेशनल फिल्म अवार्ड था उसके बेस्ट फिल्म का अवार्ड दोस्तों इन्होंने जीता था, जो 1978 में हुआ था। अगर दोस्तों कुछ अन्य फैक्ट की बात करें इस फिल्म की, तो इसमें दोस्तों जो सिनेमोग्राफी का काम किया है वो के महाजन जी ने किया है, और इसके जो म्यूज़िक हैं वो बप्पी लहरी जी दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही बप्पी लहरी हैं जो 1980 से लेके अभी भी जो हमारे इस दौर में फिल्में बन रहे हैं उसमें बहुत ही बेहतरीन म्यूज़िक देते हैं। दोस्तों, बप्पी लहरी का तो जादू दोस्तों आप उससे समझ सकते हैं कि जिस भी फिल्म में दोस्तों बप्पी लहरी जी म्यूज़िक देते थे, डेफिनेटली दोस्तों म्यूज़िक के दम पे वो फिल्म हिट हो जाया करती थी। अगर दोस्तों बात करें इस फिल्म की, तो यह फिल्म 1980 में रिलीज़ हुई थी। अगर हम रनिंग टाइम की बात करें तो 125 मिनट की यह फिल्म है, और अगर बात करें दोस्तों तो यह इंडिया में रिलीज़ हुआ था, क्योंकि उस समय दोस्तों जो हमारी फिल्में थी वह केवल इंडिया में ही रिलीज़ की जाती थी। आजकल के दौर में तो इतने सारे मल्टीप्लेक्स हैं इंडिया और इंडिया के बाहर की बाकी कई सारी कंट्री में एक साथ फिल्मों को रिलीज़ किया जाता है, लेकिन अगर 1980 की दौर की बात करूँ तो उस समय मूवी केवल फिल्में केवल इंडिया में ही रिलीज़ की जाती थी।
इसका दोस्तों जो लैंग्वेज था वो हिंदी था, और बजट इस फिल्म का 1.5 करोड़ था। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बड़ा बजट होता है, क्योंकि उस दौर में 1980 के दौर में 1.5 करोड़ के बजट से बनाने वाली फिल्में कोई मामूली फिल्में नहीं हुआ करती थी। अगर दोस्तों हम इस फिल्म की मुख्य कलाकार की बात करें तो मिथुन चक्रवर्ती, नौतान, परीक्षित सैनी, सद्धू मेहरा, श्रीराम लोगो जैसे कलाकार ने इसमें दोस्तों काम किया है। बहुत ही अच्छी फिल्म है दोस्तों। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आने वाले वक्त में मैं यह फिल्म आपके लिए साझा कर सकूँ दोस्तों। इसीलिए आपसे यह अनुरोध है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में इस फिल्म की जो जानकारी है वह आपको मिल सके। अगर दोस्तों हम इस फिल्म की कुछ अलग फैक्ट्स की बात करें दोस्तों, तो इसमें दोस्तों जो बप्पी लहरी जी थे उनको बहुत ही अच्छे अच्छे गाने मिले थे। इसमें दोस्तों उनको म्यूज़िक देने के लिए, वैसे तो वो बहुत ही बेहतरीन संगीतकार हैं, जो उस दौर से लेके इस दौर तक पता नहीं कितने सारे ऐसे मूवी में उन्होंने हिट गाने दिए हैं दोस्तों। अगर दोस्तों हम बात करें इस फिल्म में, तो यह फिल्म जो है टीवी पे आज तक कभी आई नहीं है दोस्तों। माफी चाहता हूँ दोस्तों, जैसा कि मैं इस फिल्म के बारे में देख पा रहा हूँ, तो इस फिल्म के बारे में ये लिखा गया है कि फिल्म वाज लेटर रिलीज्ड ऑन टीवी, नेवर ऑन थिएटर। यानी कि दोस्तों यह फिल्म थिएटर में रिलीज़ नहीं किया गया था, यह केवल टेलीविज़न पे ही आया था। तो ये अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर 1.5 करोड़ की लागत से कोई फिल्म बने और उसको थिएटर पे ना रिलीज़ करके टेलीविज़न पे रिलीज़ की जाए, तो कितनी बड़ी बात होती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम अभी तो यह फिल्म नहीं अपलोड कर पाएंगे, लेकिन आने वाले वक्त में मैं ज़रूर चाहूँगा कि यह फिल्म मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे फ्री में अपलोड कर सकूँ। तब तक दोस्तों मिलते हैं हम किसी अगली वीडियोस में। इसीलिए दोस्तों आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में जो भी हमारी वीडियोज़ है उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग कस्तूरी फिल्म जो 1980 में रिलीज़ हुई थी उसको यूट्यूब पे फ्री में देखना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों बता दूं कि यह फिल्म अभी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह फिल्म अभी बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो दोस्तों जब तक बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी, तब तक यूट्यूब पे यह परमिशन नहीं मिलेगा कि इसको फ्री में अपलोड किया जा सके। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि अभी तो आपको यह फिल्म मैं नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन आने वाले वक्त में मैं ज़रूर चाहूँगा कि इस फिल्म को मैं आपको यूट्यूब पे फ्री में दिखाऊँ। तो दोस्तों अभी आप इसकी कहानियाँ मैं ज़रूर आपके साथ में साझा करने वाला हूँ, जो कहानियों के फैक्ट हैं, तो उससे आपको ज़रूर इस फिल्म के बारे में जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं।
दोस्तों, जो कस्तूरी फिल्म थी वह 1980 में आई एक बहुत ही अच्छी हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थी, जिसका डायरेक्टर बिमल दत्ता जी हैं। अगर दोस्तों इसमें बात करें मुख्य कलाकार के तौर पे, तो नूतन, मिथुन चक्रवर्ती, परीक्षित सैनी, सद्दू मेहर और श्रीराम लोगो जैसे कलाकार ने इसमें काम किया है। और यह फिल्म दोस्तों जो नेशनल फिल्म अवार्ड था, उसके बेस्ट फिल्म का अवार्ड दोस्तों इन्होंने जीता था, जो 1978 में हुआ था। अगर दोस्तों कुछ अन्य फैक्ट की बात करें इस फिल्म की, तो इसमें दोस्तों जो सिनेमोग्राफी का काम किया है वो के महाजन जी ने किया है, और इसके जो म्यूज़िक हैं वो बप्पी लहरी जी दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही बप्पी लहरी हैं जो 1980 से लेके अभी भी जो हमारे इस दौर में फिल्में बन रहे हैं उसमें बहुत ही बेहतरीन म्यूज़िक देते हैं दोस्तों। बप्पी लहरी का तो जादू दोस्तों आप उससे समझ सकते हैं कि जिस भी फिल्म में दोस्तों बप्पी लहरी जी म्यूज़िक देते थे, डेफिनेटली दोस्तों म्यूज़िक के दम पे वो फिल्म हिट हो जाया करती थी। अगर दोस्तों बात करें इस फिल्म की, तो यह फिल्म 1980 में रिलीज़ हुई थी। अगर हम रनिंग टाइम की बात करें तो 125 मिनट की यह फिल्म है। और अगर बात करें दोस्तों तो यह इंडिया में रिलीज़ हुआ था, क्योंकि उस समय दोस्तों जो हमारी फिल्में थी वह केवल इंडिया में ही रिलीज़ की जाती थी। आजकल के दौर में तो इतने सारे मल्टीप्लेक्स हैं इंडिया और इंडिया के बाहर की बाकी कई सारी कंट्री में एक साथ फिल्मों को रिलीज़ किया जाता है। लेकिन अगर 1980 की दौर की बात करूँ तो उस समय मूवी केवल फिल्में केवल इंडिया में ही रिलीज़ की जाती थी। इसका दोस्तों जो लैंग्वेज था वो हिंदी था, और बजट इस फिल्म का 1.5 करोड़ था। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बड़ा बजट होता है, क्योंकि उस दौर में 1980 के दौर में 1.5 करोड़ के बजट से बनाने वाली फिल्में कोई मामूली फिल्में नहीं हुआ करती थी। अगर दोस्तों हम इस फिल्म की मुख्य कलाकार की बात करें, तो मिथुन चक्रवर्ती, नौतान, परीक्षित सैनी, सद्धू मेहरा, श्री राम लोगो जैसे कलाकार ने इसमें दोस्तों काम किया है। बहुत ही अच्छी फिल्म है दोस्तों। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आने वाले वक्त में मैं यह फिल्म आपके लिए साझा कर सकूँ दोस्तों। इसीलिए आपसे यह अनुरोध है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में इस फिल्म की जो जानकारी है वह आपको मिल सके। अगर दोस्तों हम इस फिल्म की कुछ अलग फैक्ट्स की बात करें दोस्तों, तो इसमें दोस्तों जो बप्पी लहरी जी थे उनको बहुत ही अच्छे अच्छे गाने मिले थे। इसमें दोस्तों उनको म्यूज़िक देने के लिए, वैसे तो वो बहुत ही बेहतरीन संगीतकार हैं, जो उस दौर से लेके इस दौर तक पता नहीं कितने सारे ऐसे मूवी में उन्होंने हिट गाने दिए हैं दोस्तों। अगर दोस्तों हम बात करें इस फिल्म में, तो यह फिल्म जो है टीवी पे आज तक कभी आई नहीं है दोस्तों। माफी चाहता हूँ दोस्तों, जैसा कि मैं इस फिल्म के बारे में देख पा रहा हूँ, तो इस फिल्म के बारे में ये लिखा गया है कि फिल्म वाज लेटर रिलीज्ड ऑन टीवी, नेवर ऑन थिएटर। यानी कि दोस्तों यह फिल्म थिएटर में रिलीज नहीं किया गया था, यह केवल टेलीविज़न पे ही आया था। तो ये अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर 1.5 करोड़ की लागत से कोई फिल्म बने और उसको थिएटर पे ना रिलीज़ करके टेलीविज़न पे रिलीज़ की जाए, तो कितनी बड़ी बात होती है दोस्तों।
तो चलिए दोस्तों, हम अभी तो यह फिल्म नहीं अपलोड कर पाएंगे, लेकिन आने वाले वक्त में मैं ज़रूर चाहूँगा कि यह फिल्म मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे फ्री में अपलोड कर सकूँ। तब तक दोस्तों, मिलते हैं हम किसी अगली वीडियोस में। इसीलिए दोस्तों, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।